नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाय युवराज को। वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे जितनी भी टॉपिक बैंक प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं सभी टॉपिक को देख लेंगे रीजनिंग के एक ही वीडियो में। सभी टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे और जिस लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल का क्वेश्चन हम देखेंगे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 35 में से 35 आएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। और ये वीडियो आपके बैंक के प्रीलिम्स के लिए रीजनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है, जितने भी पॉसिबल पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आ सकते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम एक साथ देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का 20 नंबर 15 से 20 नंबर दोस्तों पूछा जाएगा। मुझे जहां तक लगता है कि 15 नंबर का पजल और सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा। हो सकता है कि दो पजल या एक सिटिंग अरेंजमेंट या दो सिटिंग अरेंजमेंट और एक पजल के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बनाएं। अगर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपका अच्छा रहेगा तो आपका स्कोर अच्छा आएगा, आप मैथ्स में रीजनिंग में 30 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 35 के लिए आप जाइए, क्योंकि 35 भी बनाया जा सकता है यहाँ पे। रीजनिंग दोस्तों आप चाहे तभी आसान बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के टॉपिक को हम देखते हैं, पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ये हर एक क्वेश्चन में लिखा रहता है। अब यहाँ लिखा हुआ ए सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अब जो भी डेटा लिखा हुआ है उसको क्या कीजिए, एक जगह लिख लीजिए। कलर के का क्वेश्चन आसान होता है, फिर भी आप कोशिश कीजिए कि डेटा को लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप फंस सकते हैं। तो ए यहाँ लिखिए, ए ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी मतलब ए बी के तीसरे स्थान पे बैठा हुआ, बी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। वाई सेकेंड टू द राइट ऑफ ए एफ है, मतलब ए के बारे में कहा जा रहा है ए सेकेंड राइट ऑफ एफ, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ए एंड बी, मतलब डी का जो रिलेशन है ना तो किसके साथ है, ना तो ए के साथ है ना ही बी के साथ है, ऐसा हमने लिख लिया। ये आप लोग को दिख रहा होगा किसी के साथ नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि सी एंड जी ऑलवेज नेक्स्ट ईच अदर, सी और जी क्या है ना एक साथ बैठते हैं हमेशा, जहां भी बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे। उसके बाद एच नेवर सिटे नेक्स्ट टू डी, मतलब एच और डी का कोई संबंध नहीं है। यहां तक दिख रहा है एच और डी का कोई भी संबंध नहीं है, ये बोला गया है। एच नेवर सी के साथ भी संबंध नहीं है, मतलब डी और सी दोनों के साथ संबंध नहीं है। उसके बाद सी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू बी, मतलब सी के बारे में कहा जा रहा है कि सी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी के आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम में दो फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना, नहीं तो आपको हो सकता है कि एक गलत हुआ तो दो बारी में ये बन जाता है। कोई भी पजल हो कलर के लेवल का दो बारी में बन जाता है, और बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का तो पेपर इतना आसान आएगा कि एक ही बार में आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम एक ही ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ए थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी को कहीं पे बैठा दीजिए, बी को चलिए हमने कहीं पे बैठा दिया। उसके बाद थर्ड लेफ्ट जाना है, तो इस साइड अगर जाते हैं डायरेक्शन देखिएगा, ये लेफ्ट होता है, इस साइड अगर जाते हैं तो ये क्या होता है राइट होता है। तो यहाँ पे हमें थर्ड जाना है, तो एक दो तीन यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओके हो गया, इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद ए सेकेंड राइट ऑफ एफ हो जाएगा, ए सेकेंड राइट ऑफ एफ हो जाएगा। अब राइट ऑफ एफ मतलब एफ यहाँ पे होगा, इस साइड अगर मूव करेंगे तो राइट मूव कर रहे हैं, तो एफ के राइट में है ना, जो लास्ट में लिखा है उससे हम उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि ए कहाँ पे है। उसके बाद अगर देखें कि डी और ए का कोई संबंध नहीं है, तो डी और ए का मतलब यहाँ पे डी नहीं बैठेगा, 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 तो डी बेचारा एक ही जगह बैठ सकता है, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद सी और जी जब भी बैठेगा तो एक साथ बैठेगा, तो मान लीजिए कि सी यहाँ पे बैठा, जी यहाँ पे बैठा, ठीक है, ऐसे बैठा लिए। ये दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं अपने जगह को, ठीक है ना, अभी कोई फिक्स नहीं है इन दोनों के बारे में, आगे जाके क्लियर होगा। बट यहाँ लिखा है कि सी का रिलेशन बी के साथ नहीं है, तो ये भी ओके हो गया, मतलब हमने क्या किया है सही बैठा है, सी यही पे बैठेगा
और जी यहाँ पे बैठेगा, ठीक है आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एच और टी का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे एच नहीं बैठेगा तो यहाँ पे एच बैठ सकता है ना। अब एक आदमी कोई बच गया, तो एक आदमी कौन बचा, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठे, ई नहीं बैठा है तो यहाँ पे ई बैठ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से एक ही बार में हमने बना लिया, आप भी बना सकते हैं। आप चाहे तो ये रफ को लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस क्वेश्चन का इतना जो रफ मैंने लिखा है ना इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप रहने दीजिए, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, आगे देखिएगा। यहां देखिएगा ये आ गया स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अगला आ गया स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ देखिएगा ध्यान से स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके सामने मैं बोल देता हूँ, आप लोग भी ट्राई कीजिए तब तक इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी तक आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। कलर के का एग्जाम है तो नॉर्थ फेसिंग ही दिया जाएगा, फेसिंग नॉर्थ है, बट नॉट इन सेम ऑर्डर, देयर इज ओनली वन पर्सन बिटवीन ई एफ और सी। तो डेटा को लिखिए, ठीक है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो नहीं लिखिए आप, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम एक बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन हम लोग लेते हैं, फेसिंग नॉर्थ कहाँ जा रहा है, तो मान लीजिए कोई बीच में आदमी है, तो इस साइड अगर जाएंगे तो क्या होगा, राइट होगा, और इस साइड अगर जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है। तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ, अभी तक आप लोग समझ चुके होंगे। अब यहाँ डेटा में क्या लिखा हुआ है, अब डेटा में यहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली वन पर्सन बिटवीन एफ और सी, एफ और सी के बीच में केवल एक आदमी है, एफ और सी के बीच में केवल एक आदमी है, ये हमने लिख लिया, एफ और सी के बीच में एक आदमी है। ई सीट बिटवीन ए और डी, ई सीट बिटवीन ए और डी, ई सीट बिटवीन ए और डी हो जाएगा, ठीक है, ए और डी हो जाएगा। देयर आर ओनली टू पर्सन बिटवीन ई और जी, ई और जी के बीच में केवल दो आदमी है, ई और जी के बीच में केवल दो आदमी है, ठीक है, ई और जी के बीच में केवल दो आदमी है। उसके बाद एफ सीट ऑन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ जो है ना इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, ऐसा लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक अभी आप लोगों को समझने में। उसके बाद देखिएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। देयर आर टू पर्सन, ये हमने लिख लिया ई और जी के बीच में, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु सिट मिडिल ऑफ द रो, मतलब ए के बारे में कहा जा रहा है कि बीच में बैठता है। मान लीजिए कि ए को ऊपर बैठाते, यहाँ पे ए बैठा, अब कितने आदमी है, सात आदमी है, कितने आदमी है, सात आदमी है, तो तीन आदमी इस साइड बैठेगा, तीन आदमी इस साइड बैठेगा, ठीक है, ऐसे बैठा लेंगे हम लोग। अब देखेंगे एफ और सी के बीच में केवल एक आदमी है, ए ए और ई डी, मतलब मान के चलिए कि यहाँ पे डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम यही पे मान लेते हैं, और ई बीच में ई बैठा हुआ है, तो ये हम सिंगल टिक करते हैं क्योंकि हमने एक बार यूज किया। उसके बाद ई और जी के बीच में दो आदमी है, तो दो आदमी यहाँ तो हो नहीं सकते, दो आदमी यहीं से होंगे, एक दो, जी के बीच में दो आदमी है, ठीक है, ई और जी के बीच में दो आदमी है, तो ये भी एक सिंगल टिक करते हैं कि एक बार हमने इसे अप्लाई किया हुआ है। एफ पे लेफ्ट ऑफ ए, मतलब एफ जो है ना ए के लेफ्ट में, तो ये भी बैठा लिए, एफ जो है ए के लेफ्ट में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। F और C के बीच में एक आदमी है, F और C के बीच में एक आदमी है, ओके है अभी। अब एक आदमी कोई बच गया, कौन सा आदमी बच गया, B, तो यहाँ पे B बना लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दो बार में बनेगा, अभी एक बार में हम लोग से सही बन गया, मान लीजिए कि D यहाँ नहीं बैठता तो D को हम लोग इस साइड बैठाते तो गलत हो जाता, तो ये क्वेश्चन आप दो बार में बैठा सकते हैं, ठीक है, दो बार में आपको बनाना ही पड़ेगा, आप इसे बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इससे शुरुआत में बचिएगा, इससे पहले आसान क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि इसमें फंस सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एग्जाम में बहुत आसान क्वेश्चन आएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, आराम से बना सकते हैं, तीन मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है एट पर्सन, एक पे एट पीपल जी एच ए, ठीक है, जी एच आई जे के एल एम एन लिव इन बिल्डिंग ऑन द डिफरेंट फ्लोर टॉप टू बॉटम वन से लेके आठ तक दिया हुआ है, ठीक है, आठ आदमी बैठे हुए हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, नीचे से देखना आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस चीज को पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, आप केवल एग्जाम से पहले इसी को बना लीजिए, इसी को प्रैक्टिस कर लीजिए, ऐसे टाइप के
तो आराम से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका आराम से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट दोनों बन जाएगा। अब यहां से मैं लिखता हूं, थोड़ा ऊपर से देखिएगा, यहां से मैंने लाइन खींचा, इसमें तीन चार कंडीशन पहले से ले लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे लाइन खींचे आप, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 पर्सन हो गया, अलग अलग फ्लोर पे रहता है। आगे देखिएगा जो लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दियर इज ए गैप पे 3 फ्लोर बिटवीन जे और एल, जे और एल के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, जे और एल के बीच में 3 फ्लोर का गैप है, ये हमने लिख लिया साइड में, ठीक है। बोथ ऑफ देम लिव ऑड नंबर ऑफ फ्लोर, अब ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, ये दोनों ऑड फ्लोर पे रहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑड फ्लोर, ठीक है। ये आप लोग को दिख रहा होगा कि ये दोनों कहाँ पे रहते हैं, ऑड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ये दोनों ऑड फ्लोर पे रहते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि एन लिव जस्ट अबव एच ए, मतलब एन और एच ए एक साथ है, जस्ट अबव एच हो जाएगा, एन लिव जस्ट अबव एच हो जाएगा, हु लिव ऑन इवन नंबर ऑफ फ्लोर हो जाएगा, हु लिव एन इवन नंबर ऑफ फ्लोर, मतलब हु जो आ रहा है ना वो एच के लिए आ रहा है, ये जो है ना इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, एच जो है इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। डेटा लिखने से क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आई लिव ऑन द फ्लोर नंबर 6, बहुत अच्छा दिया हुआ है, आई यहाँ पे रहता है तो उसको 2 बार बैठा लीजिए, आई लिव फ्लोर नंबर 6, ओनली 1 पर्सन बिटवीन एल और एम, एल और एम के बीच में केवल एक आदमी है, एल और एम के बीच में केवल एक आदमी है, तो ये भी हमने लिख लिया, एल और एम के बीच में केवल एक आदमी है। उसके बाद जे लिव अबव आई, जे जो है ना वो आई से ऊपर है, जे लिव अबव आई, ऐसे लिख लीजिए, जस्ट अबव नहीं है बट अबव है। देयर आर 3 पर्सन बिटवीन के और एच, के और एच के बीच में 3 आदमी है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, तो के और एच के बीच में 3 आदमी है, ये लिख लिया हमने, के और एच के बीच में 3 आदमी है। अब सवाल ये है कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से करें, तो देखिए आई दिया हुआ है, अगर आई दिया हुआ है तो या तो जे यहाँ पे बैठेगा या फिर जे यहाँ पे बैठेगा, तो ये वाला जो कंडीशन है इसको हमने कंप्लीट किया। अब देखिए जे कहाँ पे लिखा हुआ है, तो जे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगला हम इससे लेते हैं, तो 1 2 3 और यहाँ पे कौन हो जाएगा, एल बैठेगा, ठीक है। अगर जे टॉप पे है तब ऐसे बैठेगा, अगर जे यहाँ पे है तो एल यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा। तो हमने इस वाले को भी कंप्लीट किया। अब देखेंगे कि ये दोनों ऑड पे होना चाहिए, तो जे तो यहाँ इवन पे है, तो पहला वाला ये वाला जो कंडीशन है ना ये गलत हो जाएगा, जे यहाँ पे ऑड पे है, 7वें पे है, और एल यहाँ 3रे पे है, तो ये कंडीशन ओके है, मतलब इससे हम लोग को कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, अब एल को बैठा दिया, और एल और एम के बीच में 2 आदमी है, एक आदमी है, एल और एम के बीच में एक आदमी है, तो एम कहाँ बैठा सकते हैं, एम ऊपर भी बैठा सकते हैं, एम नीचे भी बैठा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग एम को नीचे बैठाते हैं, क्योंकि के एच के बीच में भी 3 आदमी होंगे अभी, और एन और एच एक साथ बैठेंगे, तो यहाँ पे 2 पोजीशन आपको खाली चाहिए था, क्योंकि अब 2 पोजीशन कहीं खाली नहीं है, तो यहाँ पे एन एच, तो हम लोग को पता चल गया कि एन एच यही पे बैठेगा। अब एच देखिए इवन नंबर पे है, तो एच इवन नंबर पे भी है, एन एच एक साथ भी बैठ गया, एन ऊपर भी है एच से, ठीक है। उसके बाद और कुछ बचा हुआ है, के और एच के बीच में 3 आदमी है, देखिएगा 3 आदमी के यहाँ पे हो जाएगा, के और एच के बीच में 3 आदमी हो गया। अब एक आदमी कोई बच गया, एक आदमी कौन बच गया, जी, तो देख सकते हैं कि 2 बारी में हमने इस क्वेश्चन को बनाया, तो काफी आसानी से बना लिया। आपको सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन कुल मिला के इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, ठीक है। हर एक टाइप को दोस्तों हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ मेहनत भी कर रहे हैं ना आपके लिए। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 मेंबर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ वाला क्वेश्चन ज्यादा चांसेस है कि पूछा जाएगा। सी एंड बी हैव एज मेनी मेंबर बिटवीन जी एंड सी बिटवीन देम, डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा, डेटा लिखेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। देखिएगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा सी एंड बी एज मेनी मेंबर, तो सबसे पहले क्या कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, ठीक है, 2 स्ट्रेट लाइन बना लीजिए, एक गलत होगा तो दूसरा देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब डेटा लिखिएगा, डेटा क्या लिखा हुआ है, सी एंड बी एज मेनी मेंबर, मतलब मान लीजिए कि सी और बी के बीच में एक्स आदमी है, तो
एज मेंबर बिटवीन देम एज जी एंड सी, मतलब जी और सी के बीच में भी क्या होगा, एक्स आदमी होगा। यही चीज बोलने का कोशिश किया है कि सी और बी के बीच में जितने आदमी है उतने ही आदमी जी और सी के बीच में भी है। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में। आगे देखिएगा, डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, डी हु इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, डी फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, डी फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से ना, तो ये तो हम बना ही सकते हैं, एक दो तीन चार, एक्सट्रीम लेफ्ट यही है डी यहाँ पे। ठीक है, तो डी इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा आगे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है कि डी इज फोर्थ फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे एंड इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, एंड इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई, मतलब ई यहाँ पे बैठेगा तभी ये डी जो है होगा ना सेकेंड लेफ्ट ऑफ ई होगा। तो इसके लिए कुछ करना नहीं है। तो जब यहाँ चार आदमी बैठ गए और दो आदमी यहाँ पे बैठ गए, तो दो आदमी और बैठा लीजिए, आठ आदमी बैठ गए, क्योंकि यहाँ से फिक्स हो गया ना कि छह आदमी ऐसे ही बैठेंगे, दो आदमी आगे जाके बैठेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, जी इज थर्ड प्लेस अवे वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब जी क्या है ना तीसरा पोजिशन पे है, तो यहाँ से तो हो नहीं सकता है, इस पोजीशन से हो सकता है, इस एंड से हो सकता है, एक दो तीन, मतलब जी यहाँ पे होगा। ठीक है, जी को भी हमने बैठा लिया। उसके बाद नाइदर बी नॉर सी सिट एक्सट्रीम एंड, बी और सी में से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, मतलब बी और सी जो है ना वो एंड पे नहीं बैठेंगे। कहाँ पे नहीं बैठेंगे, एंड पे नहीं बैठेंगे, बी और सी, बी और सी जो है ना एंड पे नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, मतलब एफ जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ ए, एफ जो है इमीडिएट राइट ऑफ ए हो जाएगा, राइट ऑफ ए, एफ इमीडिएट राइट ऑफ ए। अब इतना ही डेटा हम लोग के पास बचा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करें, और कुछ तो दिया नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम इनको अरेंज करते हैं, राइट ऑफ ए मतलब ए एफ जहां भी बैठेंगे ए और एफ एक साथ बैठने वाले हैं। ठीक है, ए एफ एक साथ बैठेंगे, तो यहाँ पे ए एफ बैठ सकता है या फिर यहाँ पे बैठ सकता है, तो कहीं भी बैठा लेते हैं, मान लीजिए यही पे बैठा लीजिए ए एफ को। ठीक है, अब बी और सी जो है अंतिम पे नहीं बैठेंगे, तो बी और सी अंतिम पे नहीं बैठेंगे, तो या तो यहाँ पे बी बैठेगा नहीं तो यहाँ पे सी बैठेगा। अब ये कंडीशन भी फॉलो करना है कि सी और बी के बीच में जितने आदमी है, तो सी और बी के बीच में तो एक आदमी हो गया, उतने ही आदमी जी और सी के बीच में है, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज कर ले, सी को यहाँ बैठा ले, बी को यहाँ बैठा ले, तो अब ओके है, यहाँ पे एक आदमी, यहाँ भी एक आदमी, सी और बी के बीच में एक एक आदमी है, और अंतिम पे भी नहीं बैठ रहे हैं, तो ये सही हो गया कि एंड पे नहीं बैठेंगे, तो ये सही कर दिया, ये हमने बैठा लिया यहाँ पे। उसके बाद एक आदमी बच गया, एक आदमी कौन है, एच। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन चाहे तो आप दो बार में बना सकते थे, क्योंकि ए एफ को यहाँ भी भेजते तो गलत होता, दूसरी बार में सही हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं ना दो बार में बनते हैं, जो स्ट्रेट लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट होता है और जो सर्कल होता है वो सब एक ही बार में बन जाता है, वो आसान होता है। तो आपके एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक एक बार में बन जाएंगे, काफी आसान क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा, सिक्स पर्सन, ठीक है, सिक्स पर्सन जे पी क्यू आर वी जेड आर सिटिंग इन ए रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ सम एंड फेसिंग साउथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन आ गया। अब देखिए दोनों मिक्स आ गया, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं बता देता हूं, अगर इस टाइप का पूछा गया तो बहुत इजी लेवल का पूछा जाएगा, बिल्कुल हार्ड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एक लाइन खींचा मैंने। अब यहाँ कुछ लोग नॉर्थ साउथ देखते हैं, जब साउथ देखेंगे ना तो साउथ मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका ये राइट है ना तो ये लेफ्ट बन जाएगा, और ये लेफ्ट है ना तो ये राइट बन जाएगा, बट नॉर्थ के केस में इसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ दोनों का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साउथ जे सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब जे जो है ना अंतिम से, जे जो है अंतिम से कहाँ बैठा हुआ है, सेकंड बैठा हुआ है। अब जे कहीं से भी बैठ सकता है, जे जे कहीं से भी बैठ सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग जे को बैठा है, मान लीजिए कि एक के यहां से बैठाते, यहां पे जे को बैठाते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा थोड़ा समय, हाँ अब दिख रहा होगा, जे को यहां बैठाते हैं, ठीक है, और कितने आदमी है, छह आदमी, तो एक दो तीन चार, और इस कंडीशन में भी छह आदमी को बैठा लीजिए, एक दो तीन
और जे को यहां पे बैठा लीजिए, ठीक है। दोनों में से कोई एक सही होगा, क्योंकि नॉर्थ साउथ है इसलिए मैं कहूंगा कि आप दोनों तरीके से बनाइएगा। आगे देखिएगा, जे सिट सेकंड फ्रॉम द वन एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, अब लेफ्ट से या राइट से वो नहीं पता। पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे, अब यहां तो हो नहीं सकता है क्योंकि यहां तो आदमी ही खत्म, तो यहां जाएंगे एक दो तीन। अब पी यहां पे होगा तो ये राइट बोला गया तो ये नॉर्थ देख रहा होगा, अब यहां अगर जाएंगे तो एक दो तीन तो ये साउथ देखेगा जे, ठीक है। तो जे का डायरेक्शन हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद पी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जे हो जाएगा, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और जेड, मतलब ये अभी समझ में नहीं आ रहा है तो यहां पे लिख लीजिए पी का और जेड का पड़ोसी आर नहीं है, पी और जेड का रिलेशन आर के साथ नहीं है, ठीक है। तो अगल बगल ने बैठेगा आर पी और जेड के। आगे देखिएगा, जो डेटा नहीं समझ में आया उसको लिख लीजिए, जो आता है उसको अप्लाई कीजिए। बोथ ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेस अपोजिट डायरेक्शन, अब वी बोथ ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी दोनों अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है ना, अपोजिट एक दूसरे का है, वी का एक नॉर्थ देखेगा तो दूसरा साउथ देखेगा, अपोजिट डायरेक्शन। बोथ ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेस सेम डायरेक्शन, जेड का जो है ना वो सेम डायरेक्शन, एच डी मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन, जेड का जो पड़ोसी है वो सेम डायरेक्शन देख रहा है, ठीक है, एच डी मैंने लिख दिया। उसके बाद वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब सेकंड यहां नहीं बैठेगा यहीं पे बैठेगा तो यहां पे वी हो जाएगा, ठीक है। वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी मतलब नॉर्थ है, अगर यहां जाएंगे लेफ्ट बोला जा रहा है तो ये साउथ देखेगा वी, ठीक है ना। आगे देखिएगा, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ है तो अब वी का पड़ोसी क्या होगा सेम डायरेक्शन देखे अपोजिट होगा, तो ये नॉर्थ देख रहा है तो ये साउथ देखेगा, ठीक है। पहले ऊपर वाले लेके चलते हैं फिर नीचे वाले पे आएंगे अगर काम नहीं बनता है तो। क्यू सिट टू द राइट ऑफ आर, क्यू सिटे टू द राइट ऑफ आर, क्यू सिटे टू द राइट ऑफ आर, क्यू जो है ना राइट ऑफ आर, क्यू सिटे राइट ऑफ आर, क्यू सिटे राइट ऑफ आर, ठीक है, आर के राइट में बैठा हुआ है तो आर का रिलेशन तो पी और जेड के साथ नहीं है तो यहां यहां नहीं बैठेगा, इमीडिएट तो नहीं लिखा हुआ ना, क्यू सिट टू द राइट ऑफ आर मतलब इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है तो कहीं भी बैठ सकता है। तो मान लीजिए कि आर को यहाँ पे फिलहाल बैठा लेते हैं, अब राइट अगर बोला जाएगा तो राइट तो इसी साइड होगा तो इसका डायरेक्शन हमें नॉर्थ करना होगा, और क्यू जो है ना क्यू क्यू के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो क्यू यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है तो अभी फिलहाल क्यू को रहने देते हैं। उसके बाद जेड का पड़ोसी होगा, जेड का पड़ोसी सेम डायरेक्शन में होगा तो अगर यहाँ पे जेड को बैठाएंगे तो उसका पड़ोसी नहीं होगा, बट यहाँ पे बैठाएंगे तो उसका पड़ोसी होगा और सेम डायरेक्शन बोला गया मतलब बी भी नॉर्थ देखेगा और क्यू तब यहाँ बैठेगा, तो ये ओके हो गया, एक ही बार में हम लोग का बन गया तो यही हम लोग का आंसर होगा। अगर नहीं बनता तब हम नीचे जाते और उसको बनाते, तो आर जेड भी आर जे भी जेड पी क्यू ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमने काफी अच्छे तरीके से बना लिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सेवन पीपल ए बी सी डी ई एफ जी लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, तो बस इनको क्या करना है फ्लोर पे अरेंज करना है। फ्लोर वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं किया जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। तो दो कॉलम बना लीजिए फ्लोर का और यहाँ पे सात लिखिए, यहाँ पे छह लिखिए, यहाँ पे पांच लिखिए, यहाँ पे चार लिखिए, यहाँ पे तीन लिखिए, यहाँ पे दो लिखिए, यहाँ पे एक लिखिए, ये लिख लिया आप लोग। उसके बाद देखिएगा, सेवन पर्सन पीपल ए बी सी डी ई एफ जी लिव इन बिल्डिंग, मतलब अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं। देयर आर लेस देन थ्री फ्लोर अबव ए, मतलब ए से ऊपर तीन फ्लोर, केवल ए से ऊपर क्या है तीन फ्लोर से कम है, ए से ऊपर क्या है तीन फ्लोर से कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे या तो ए को बैठा सकते हैं या फिर ए को यहाँ पे बैठा सकते हैं, कहीं भी एक जगह ए बैठेगा, तीन से कम फ्लोर रखना है ए से ऊपर, ठीक है, यहाँ तक हमने सही किया। ओनली वन पर्सन बिटवीन सी और ए, सी और ए के बीच में केवल एक आदमी है, तो यहाँ भी सी को बैठा सकते हैं यहाँ भी बैठा सकते हैं, हम यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है, गलत होगा तो हम चेंज करेंगे, सी और ए के बीच में केवल एक ही आदमी है, ठीक है। उसके बाद जी लिव इमीडिएटली बिलो डी, जी जो है ना डी के जस्ट नीचे है, तो इसके लिए दो जगह चाहिए, तो दो जगह यहाँ भी मिल जाएगा, दो जगह यहाँ भी मिल जाएगा, तो कहीं भी बैठा दीजिए, मान लीजिए कि हम लोग अभी नहीं बैठाते बाद में देखेंगे। उसके बाद डी लिव इवन नंबर ऑफ फ्लोर, अगर डी इवन नंबर ऑफ फ्लोर पे होगा तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो डी इवन नंबर फ्लोर पे है तो यहाँ पे बैठेगा क्योंकि ये इवन नंबर फ्लोर पे है, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे देखिएगा अगला पॉइंट जो लिखा हुआ है कि बी लिव इमीडिएटली अबव ए, तो बी यहाँ पे बैठेगा नहीं तो बी यहाँ पे बैठेगा, जस्ट अबव बोला गया, ठीक है, तो ये भी हो गया। एफ लिव अबव ई, एफ और ई, एफ जो है ना
ई से पहले है, तो एफ यहां पे हो जाएगा, ई यहां पे हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये बन गया शायद एफ वी ए ई सी डी जी, तो ये आपका अरेंजमेंट होगा। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन देखे बन गया ना ये क्वेश्चन, तो ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो पिछले 4-5 साल में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन दोस्तों और भी ज्यादा आसान है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं, आगे देखिएगा। सेवन पीपल पी क्यू आर एस टी भी यू भी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, इक्वल डिस्टेंस है सभी के बीच में, फेसिंग इनसाइड बोला गया, मतलब फेसिंग सेंटर बोला गया है। P sitting immediate right of Q, only one person sit between P and S, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक बार में बन जाएगा, देखिएगा। यहाँ डेटा भी नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, आसानी से आप बना सकते हैं। सात आदमी को बैठाना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे ऐसे इसके सामने एक आदमी, इसके सामने एक आदमी, फिर ऐसे ऐसे, ये चार आदमी हो गया, एक आदमी यहाँ बीच में रख लीजिए, सातवा आदमी, ठीक है। अब आठवां बोलता है तो इसके सामने होता, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद बोला कि P इमीडिएट राइट ऑफ Q, मतलब मान लीजिए कि P इमीडिएट राइट ऑफ Q, तो Q यहाँ P यहाँ, राइट इसी साइड जाता है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन P और S, P और S के बीच में केवल एक आदमी होगा, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही होगा। P और S के बीच में केवल एक आदमी होगा। U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S, U जो है ना थर्ड टू द राइट ऑफ S होगा। अब एक दो तीन, U यहाँ पे होगा, U सिट थर्ड टू द राइट ऑफ S हो जाएगा। T is an immediate neighbor of U. T is an immediate neighbor of U. T यहाँ पे हो जाएगा. T is an immediate neighbor of U हो जाएगा. उसके बाद है देखिए, T is an immediate neighbor of U हो जाएगा. R sits second to the left of B. R sits second to the left of B. R sits second to the left of B. तो यहाँ पे B यहाँ पे हो जाएगा. Left इस साइड जाते हैं तो R यहाँ पे हो जाएगा. देख सकते हैं कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया, और हो सकता है कि सात आदमी का भी पूछा जाएगा। मैंने आठ आदमी का शुरुआत में ही बताया था, सात आदमी का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और जिस लेवल का मैं बता रहा हूँ ना उसी लेवल का पूछा जाएगा, तो इसी लेवल का आपसे पूछा जाएगा। अब अगला क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि देयर आर 10 पर्सन सिटिंग इन ए टू पैरेलल रो, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो कहने का मतलब दो लाइन है, अब इस पे पांच आदमी बैठे हैं, इस पे पांच आदमी बैठे हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि रो वन किस डायरेक्शन में देखता है, रो टू किस डायरेक्शन में देखता है। तो लिखा है रो वन ए बी सी डी ई एफ जी एच बैठा हुआ है फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये लोग जो है ना ये नॉर्थ देखते हैं, और इसका नाम क्या है वन, और इसका नाम क्या है टू, ये लोग साउथ देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, यहाँ पे ए बी सी डी बैठेगा और यहाँ पे आपका जो दिया हुआ है एम एन ओ पी आर बैठेंगे। बी सिटे इमीडिएट राइट ऑफ ए, अब हम लोग को नहीं पता है कि कैसे हम लोग बैठा है, तो मान लीजिए कहीं पे भी ए को बैठा लीजिए और बी उसके जस्ट राइट में बैठा लीजिए, तो दो लोग बैठ गए, ठीक है। बी सिट इमीडिएट राइट ऑफ ए, और नाइदर ए और बी एक्सट्रीम एंड, मतलब ए भी अंत पे नहीं बैठा है, बी भी अंत पे नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एक आदमी को बैठा लिया फिलहाल, हो सकता है यहाँ पे भी एक आदमी हो, जब होगा तब देखेंगे हम लोग, आगे दिखेगा, इसलिए हमने गैप भी रखा हुआ है वहां पे, आगे दिखेगा। टू पर्सन सीट बिटवीन पी और एन, अब यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं, या बैठा सकते हैं, नहीं अभी नहीं बैठा सकते क्योंकि ये बैठा दिए, तो पी और एन के बीच में दो आदमी है, पी और एन के बीच में दो आदमी है, तो इसके आमने सामने लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना, पी और एन के बीच में दो आदमी है। बी फेस वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, B face one who sit immediate left of P. B face one immediate left of P. मतलब left of P. ये south देख रहा है ना, तो P यहाँ पे बैठेगा, उसका left ये आदमी बैठेगा, उसके सामने B देख रहा है, तो ये line complete हो गया अपने यहाँ पे, ठीक है, जो अभी हमने बोला। A और B को बैठा लिए, इसलिए नहीं बैठाते तो आपको लिखना पड़ता, टाइम लग जाता, आगे देखिएगा। जो पॉसिबल हो उसको बैठाते जाइए। M sit on the immediate right of R. M जो है ना immediate right of R. M जो है immediate right of R. तो ये लिख लीजिए क्योंकि नहीं बैठा सकते। M right of R. मतलब कहने का क्या मतलब है? M R. क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये south देख रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? Left right में convert हो जाता है। दोनों interchange हो जाते हैं।
तो एम आर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, सी सिट एट द एंड ऑफ द रो। सी जो है ना किसी तो एंड पे बैठेगा, मान लीजिए सी इस एंड पे बैठेगा, नहीं तो इस एंड पे बैठेगा, कहीं तो बैठेगा सी, ठीक है, एंड ऑफ द रो। डी सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई। अब डी जो है ना ई के लेफ्ट में है, जस्ट लेफ्ट नहीं बोला है बट ई के लेफ्ट में है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक आदमी को बैठा ले, तो यहाँ भी एक आदमी को बैठाते हैं, लेफ्ट जाना है तो ई यहाँ बैठेगा तो डी यहाँ पे बैठेगा। अगर यहाँ पे सी बैठाते तो भी पॉसिबल होता है, जस्ट लेफ्ट हो जाता है, बट ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, जस्ट लेफ्ट आपको नहीं बोला है, ठीक है, तो अपने मन से आपको नहीं बैठाना है। उसके बाद और कुछ दिया हुआ है, डी डू नॉट फेस आर। डी का फेस आर के साइड नहीं है, मतलब यहाँ पे इस साइड आर नहीं बैठेगा, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आर को नहीं बैठाएंगे। एम आर कहीं तो बैठेगा, या तो एम या एम आर यहाँ बैठ सकता है, या फिर एम आर यहाँ पे बैठ सकता है, एक साथ एम आर यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। और पी और एन के बीच में दो आदमी है, तो एन को यहाँ बैठा लीजिए, पी और एन के बीच में यहाँ पे दो आदमी हो जाएंगे, तो दो सीट यही पे बचता, ये तो हम लोग पहले ही बैठा सकते थे क्योंकि पी बैठा दिए, जब पी बैठा दिए तो एम आर यही पे आना चाहिए, और आर वहां नहीं होगा तो कौन होगा, एक आदमी बचता ओ, तो ओ हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को भी बनाया, हो सकता है कि इसमें आपको दो प्रयास हो जाए बट एक कोशिश में भी बन सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप सही से बनाते हैं तो। चलिए आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अगले। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अनसर्टेन नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का, यहाँ ये आजकल बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दो कंडीशन लेके चलिएगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है, थोड़ा नया क्वेश्चन होता है इसलिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन ए लीनियर रो हो जाएगा फेसिंग नॉर्थ लिखा हुआ है, बी इज फिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई को यहाँ बैठा लीजिए, एक दो तीन चार पांच, बी को यहाँ बैठा लीजिए, बी इज फिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ ई हो जाएगा। टू पर्सन सिट बिटवीन बी और डी, बी और डी के बीच में दो आदमी है, बी और डी के बीच में दो आदमी है, और उसके बाद अगर देखें हम लोग तो इस साइड भी हो सकता है, बट आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। डी सिट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हो सकता है एक्सट्रीम एंड, मतलब दो आदमी यहाँ से बैठा लीजिए और यहाँ पे डी को बैठा लीजिए और उसके पहले भी एक आदमी, तभी ये लेफ्ट साइड से सेकेंड स्थान पे होगा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिएगा डी सीट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड हो जाएगा, 5% सीट बिटवीन एस और ई। अब इसको नहीं बैठा सकते तो इसके लिए डेटा लिख लीजिए, इसके लिए डेटा कहाँ पे लिखे, हमारे पास जगह है ना यहाँ पे, एस और एस और किसके बीच में, एस और ई के बीच में पांच आदमी है, एस और ई के बीच में पांच आदमी है, ठीक है, ज्यादा आदमी है, एस और ई के बीच में पांच आदमी है। एस इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब एस का संबंध बी के साथ नहीं है, एस और बी का कोई भी रिलेशन नहीं है। एस इज इमीडिएट राइट ऑफ ई हो जाएगा, एंड एस से राइट एस इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ बी हो जाएगा, एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन ई एंड एस, जितना कि एस और सी के बीच में मैं बैठा हुआ है, ई और एस के बीच में उतने ही आदमी बैठे हुए हैं, एक्स आदमी अगर बैठे हुए हैं तो एस और सी बोला गया है क्या, एस और सी के बीच में भी एक्स आदमी बैठेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एस और सी के बीच में भी एक्स आदमी बैठेंगे। एज मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी और बी एज बी और एफ है, मतलब बी और डी के बीच में जितने आदमी बैठे हैं उतना ही बी और एफ के बीच में बैठे, उतने ही आदमी बी और एफ के बीच में बैठे हुए। सी थर्ड पोजीशन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब सी जो होगा ना कहीं से भी तीसरा स्थान पे होगा, सी यहाँ पे तीसरा स्थान पे होगा, सी यहाँ पे कौन से स्थान पे होगा, तीसरा स्थान पे होगा, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद ये हो गया क्लियर, उसके बाद देखते हैं एस और ई के बीच में पांच आदमी है, एस और ई के बीच में पांच आदमी है, एस और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे एस और ई के बीच में पांच आदमी है, अब इनको कैसे बैठाएं हम लोग, यहाँ देखते हैं सी तो बैठा हुआ है, तो जब सी बैठा हुआ है तो ई भी बैठ सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, और एस और ई के बीच में पांच आदमी है तो ई भी बैठा हुआ है, ई भी बैठा हुआ है, तो एक दो तीन चार पांच एस यहाँ पे हो जाएगा, ये तो हम लोग का क्लियर हो गया, कोई गलत नहीं है, ये सही है, ठीक है। अब एस और बी का कोई रिलेशन नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ पे है तो बी यहाँ पे नहीं होगा, बी यहाँ पे नहीं होगा, इन दोनों जगह बी नहीं होगा, ठीक है, और भी कुछ डेटा खोजिए आप, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हो गया ई एस के बीच में जितने आदमी है, मतलब पांच आदमी है, तो एस और सी के बीच में पांच आदमी होंगे, तो थोड़ा सा लाइन को लंबा खींचना होगा हम लोग को, क्योंकि पांच आदमी का स्पेस भी तो चाहिए ना हम लोग को, तो एक दो तीन सी बैठा, अब एक दो तीन चार पांच ये हो गया,
तो एस और सी के बीच में ये हिंट दिया हुआ था, ये दोनों हमने किया। एस के अगल बगल बी नहीं है तो उसको नहीं बैठाएंगे हम लोग। अब बी और डी के बीच में जितने आदमी हैं उतने ही आदमी बी और एफ के बीच में है, तो बी और डी के बीच में डी बैठा हुआ है, ठीक है, और डी भी बैठा हुआ है, तो दो आदमी है तो उतने ही आदमी एक दो एफ के बीच में है। तो देखिए ये क्वेश्चन अब बन गया, क्योंकि जितना भी स्टेटमेंट था ना वो खत्म हो गया। तो अगर एक एक के लाइन को मिलाएंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, और इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कितने आदमी बैठेंगे, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 आदमी इस लाइन में बैठेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पक्का आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जब भी अनसर्टेन वाला क्वेश्चन दिया जाता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आदमी बैठेंगे। चलिए आगे देखिएगा, 34 से 36 हो गया। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। देखिए अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखते हैं स्क्वायर टेबल का, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्क्वायर टेबल में आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लीजिए, दो स्क्वायर बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन फंसाएगा आपको। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या डायरेक्शन दिया हुआ है, कि डी क्यू जी एच ए एस ई डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड स्क्वायर टेबल सच ए वे डेट 4 पर्सन सिटे द कॉर्नर ऑफ द कॉर्नर साइड ऑफ टेबल एंड अदर 4 पर्सन सिटे इन द मिडिल साइड ऑफ टेबल। द पर्सन हू सिटे कॉर्नर साइड आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड अवे फ्रॉम द सेंटर बोला गया, मतलब जो कॉर्नर पे आदमी बैठेगा ना वो अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये बीच में सेंटर हो गया। अवे कहने का मतलब सेंटर से दूर करके मुखे करके बैठा हुआ है, ठीक है, और जो मिडिल वाला होगा वो निश्चित रूप से देखिएगा इनसाइड ही करके बैठा होगा, तो यहाँ तो देखना नहीं हम लोग को। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, आगे जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो देखिए। डी सिट कॉर्नर साइड ऑफ टेबल, मतलब डी को चलिए यहाँ बैठा दिए, और डी और जी के बीच में एक आदमी है, तो एक आदमी है तो जी या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद देखिए 1 पर्सन सिट बिटवीन डी और जी, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी। अब थर्ड टू द राइट ऑफ जी बोला जाएगा तो हम लोग का डायरेक्शन ऐसे चलेगा, क्योंकि ये कॉर्नर है आउटसाइड देख रहा है तो ये हम लोग का राइट हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो 1 2 3 यहाँ पे ई बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया कि यहाँ पे आगे क्या बोला गया कि ई और क्यू के बीच में 3 आदमी है, ई और क्यू के बीच में 3 आदमी है, ये हमने बोल दिया कि ई और क्यू के बीच में 3 आदमी है। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, 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 तो सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो राइट जाना है हम लोग को, तो ये तो इनसाइड देख रहा है, तो ऐसा अगर बोला, ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दीबाजी कर दिया क्या, देखिएगा क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, क्यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, तो यहाँ पे क्यू बैठेगा ना, सॉरी यहाँ पे क्यू बैठेगा, और क्यू और ई के बीच में, क्यू और ई के बीच में 3 आदमी है, तो अब ठीक है ये आमने सामने बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है कि 3 आदमी है क्यू और ई के बीच में। डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई बैठा हुआ है, राइट जाना है, तो मुझे लगता है कि डब्ल्यू यही पे होगा ना, राइट जाएंगे तो डब्ल्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, वो भी बैठ गया। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, तो डब्ल्यू के आजू बाजू डी नहीं बैठेगा तो डी कहाँ पे बैठेगा, डी बैठा हुआ है पहले से, कोई दिक्कत ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, एच सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ के, एच जो है के के सेकेंड राइट में बैठा हुआ है। अब ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है, और यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो के को अगर यहाँ बैठा है तो ये लेफ्ट जा रहा है ना, तो अपोजिट साइड में ये राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि जब क्वेश्चन में इनसाइड आउटसाइड बोलेगा तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। वही जब यहाँ पे जगह है, वही जब क्वेश्चन में इनसाइड बोलेगा ऐसे करके तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड है और ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, तो ये जो डायरेक्शन हो जाता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाए तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है देखिएगा ध्यान से। देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है। 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन,
फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर बी सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, बी सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ध्यान से देखिएगा, कुछ अलग क्वेश्चन है ये। तो यहां लिखा हुआ है पहला लाइन कि नॉर्थ देख रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉर्थ देख रहा है तो ठीक है, ये नॉर्थ देख रहा है। बी सिट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, मतलब बी या तो इस एंड से सेकेंड स्थान पे बैठेगा, या फिर एक और बना लीजिए, यहां से बी सेकेंड स्थान पे बैठेगा। अब सात आदमी है तो पांच आदमी को बैठा लीजिए, क्योंकि अंतिम का हम लोग को पता चल गया, सात आदमी है तो पांच आदमी को बैठा लीजिए। ठीक है, दोनों जगह हमने पांच पांच आदमी को बैठा लिया, मतलब सात आदमी कंप्लीट हो गए दोनों जगह। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आगे कि बी सिट सेकेंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड हो जाएगा। देयर यहां लिखा है थ्री पर्सन सिट बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में तीन आदमी है, तो एक दो तीन, डी और बी के बीच में तीन आदमी है, एक दो तीन, डी और बी के बीच में तीन आदमी है। ठीक है, उसके बाद टू पर्सन सिट बिटवीन डी और ए, डी और ए के बीच में दो आदमी है, डी और ए के बीच में कितने आदमी है, दो आदमी है, डी और इसके बीच में दो आदमी है। ठीक है, तो यहाँ बैठा सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखिएगा सी सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हो जाएगा, तो इमीडिएट लेफ्ट बोला जाएगा, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता, यहाँ पे हो सकता है, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ये गलत हो गया, यही लिखा है ना, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, एफ लेफ्ट ऑफ सी, एफ सीट लेफ्ट ऑफ सी, मतलब एफ या तो यहाँ बैठेगा नहीं तो यहाँ बैठेगा, तो एफ को चलिए यहीं पे बैठा लेते हैं, गलत होगा तब यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, तो ये सही बैठा है, पड़ोसी नहीं रखना है इसको। मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन एफ और ई, तो एफ और ई के बीच में यहाँ अगर ई को बैठाएंगे तो दो आदमी होगा, बट यहाँ पे अगर ई को बैठाएंगे तो दो से ज्यादा आदमी होगा, तो ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, और कौन बच गया, जी, यहाँ पे जी बैठेगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, दो मिनट में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा तीन मिनट में आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पिछले एक दो साल से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया आपसे, सिक्स पर्सन पी क्यू आर एस टी यू हैव इवेंट, मतलब इवेंट करते हैं अलग अलग स्टेट में। आगे दोस्तों देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में, और आपसे भी पूछा जाएगा। सिक्स पर्सन पी क्यू आर एस टी यू हैव इवेंट ऑन डिफरेंट डेट, सात और बारह को अलग अलग डेट पे इवेंट होते हैं, महीने दिए हुए जनवरी फरवरी मार्च, डी हैज इवेंट ऑन नंबर, डी है इवन नंबर, मतलब इवन नंबर डेट पे होता है डी का इवेंट, इन द मंथ हैविंग 31 दिन, जिसमें 31 दिन का महीना होता है, द नंबर ऑफ पर्सन हैव इवेंट बिफोर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ए, ए के बाद जितने व्यक्ति है उतने ही व्यक्ति डी से पहले है, वन पर्सन हैज इवेंट बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में एक इवेंट होता है, एफ इवेंट बिफोर सी, एफ का इवेंट बिफोर सी होता है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसा एक कॉलम बना लीजिए, उसमें मंथ लिखिए, कौन कौन सा मंथ है हमारे पास, जनवरी है, जनवरी में दो डेट है सात और बारह, उसके बाद फेब है, फेब में भी दो डेट है सात और बारह, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च है, मार्च में भी दो डेट है सात और बारह, ये दो डेट हमने लिख दिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, दो डेट हमने लिखा यहां पे, डी इवेंट इवन नंबर, डी का जो इवेंट होता है इवन नंबर, जिसमें 31 दिन का महीना होता है, तो ये 31 दिन का है, ये 28 दिन का है, और ये 31 दिन का होता है ना, मार्च, मार्च भी 31 दिन का है, तो डी किसी एक में आएगा, या तो डी इनमें से कहीं आएगा, बट डी बोला इवन, मतलब या तो जनवरी में आएगा या मार्च में आएगा, तो जनवरी में एक दे दीजिए डी को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डी जो है ना इवन नंबर मंथ में, मतलब इवन डेट पे आएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन हैव बिफोर डी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर ए, मतलब मान लीजिए कि ए को यहाँ फिक्स कर दे, तो ए के बाद आफ्टर ए सेम आदमी हो जाएगा ना, एक दो तीन चार पांच,
और यहां से भी काउंट कीजिए, एक दो तीन चार पांच, मतलब ये वाला कंडीशन फॉलो हो गया, मतलब डी के पहले जितने आदमी है उतने ही आदमी ए के बाद है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि सही मैंने बनाया, अगर इसको मान के चलिएगा तब ए को यहाँ बैठाना होगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है वन पर्सन इवेंट बिटवीन ए और सी, ए और सी के बीच में एक इवेंट है, तो ए और सी के बीच में एक इवेंट है, दे दिया हमने एक इवेंट। एफ इवेंट बिफोर सी, एफ का इवेंट सी से पहले है, बहुत अच्छा, सी से पहले है। बी इवेंट जस्ट बिफोर ई, बी का इवेंट जो है ना जस्ट बिफोर ई, मतलब बी और ई। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बन गया और बहुत आसानी से बन गया, तरीका आप लोगों को मिल गया, इसी तरह बनाइएगा तो जल्दी बनेगा और लेवल भी होगा तो यही लेवल होगा, इतना ही आसान लेवल होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। मैंने हर एक टाइप को एग्जाम के लेवल के हिसाब से यहाँ रखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक। और जानने की कोशिश करते हैं कि सिलोलिज्म को कैसे आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। सबसे पहले दोस्तों हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सिलोलिज्म में आप क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले कुछ फिगर को समझिए, जब भी क्वेश्चन में ऑल बोला जाए तो ऑल का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल, मतलब ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है ना बी है, तो जो ऑल ए मतलब ए पहले बी बाद में है, ठीक है ना, तो ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे, सम का मतलब ऐसा फिगर बनता है, ठीक है ना। सम का फिगर कैसा बनता है, ऐसा बनेगा। और मान लीजिए नो का फिगर कैसा बनेगा, नो का फिगर दो सर्कल अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑल सम नो। अब बोला जाता है क्वेश्चन में, मान लीजिए एटलीस्ट बोला जाता है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम होता है। एटलीस्ट जब भी क्वेश्चन में बोला जाएगा तो उसका मतलब क्या होता है, सम। सम का फिगर मैंने बता दिया, और ऑल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि कम से कम आपके पास पांच रुपए है, तो ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, कम से कम जो मिनिमम वैल्यू है वो सेट किया, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। उसके बाद एटमोस्ट बोला जाता है, एटमोस्ट बोला जाएगा, तो एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, सम होता है। एटमोस्ट का मतलब केवल क्या होता है, सम। तो सम का फिगर मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मान लीजिए कि आपको बोला जाएगा, आपको फ्यू, ओनली फ्यू आजकल बहुत आता है, ओनली फ्यू, तो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम होता है, ठीक है। किसी एक ही के साथ रिलेशन है जिसके साथ ओनली फ्यू बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, तो जहां भी आपको डाउट दिखेगा, डाउट हमेशा गलत होता है, डाउट के साथ अगर पॉसिबिलिटी दिख जाता है, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी दिख जाएगा तो वहां पे आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। जो कंफर्म है वो तो सही होगा ही होगा, बट डाउट के साथ पॉसिबिलिटी होगा तो सही होगा, डाउट केवल होगा तो गलत होगा। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट था, जो कि क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आ चुका है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, देखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन लिखा गया कि सम ऑल शॉर्ट, ऑल शर्ट आर स्कर्ट। अब यहाँ देखिएगा ऑल का फिगर बोला बनाने के लिए, तो ऑल का फिगर बना दीजिए आप, ऐसे करके ऑल का फिगर बना दीजिए, ऑल शर्ट एस टी स्कर्ट एस के लिख लिया आपने, एस टी एस के, ऑल शर्ट आर स्कर्ट, नो स्कर्ट आर टॉप, मतलब टॉप और स्कर्ट के बीच में नो का रिलेशन है, टॉप और स्कर्ट के बीच में नो का रिलेशन, ऐसे लाइन खींचे और यहाँ पे टॉप लिखिए। उसके बाद लिखिए ऑल टॉप आर इस कुर्ता, यहाँ लिखा हुआ है ऑल टॉप आर कुर्ता, जो सभी टॉप है ना वो कुर्ता है, जो सभी टॉप है वो कुर्ता है, तो फिगर ऐसा बन गया। अब देखिएगा पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है कि ऑल शर्ट आर कुर्ता, अब यहाँ शर्ट यहाँ पे कुर्ता यहाँ पे है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। तो पहला वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, डाउट में, डाउट हमेशा क्या होता है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि डाउट है, ये जाएगा कि नहीं जाएगा हम लोगों को पता नहीं, अभी तो नहीं जा रहा है, तो डाउट हमेशा गलत होता है, पॉसिबिलिटी होता तो सही हो जाता है। सम कुर्ता और स्कर्ट, सम कुर्ता, कुर्ता कुर्ता यहाँ पे है, स्कर्ट यहाँ पे है, सम कुर्ता और स्कर्ट, जब बोला गया कि सम कुर्ता और स्कर्ट, ठीक है, तो ये भी अभी डाउट में है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी होता तो चला जाता, क्योंकि जो स्कर्ट का दुश्मनी है वो टॉप के साथ है ना कि कुर्ता के साथ, तो कुर्ता के साथ ये दोस्ती कर सकता है, बट यहाँ पे अभी फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है, तो अभी पॉसिबिलिटी दिया नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये भी डाउट में रखेंगे, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी
होगा तो ही सही होगा, ठीक है। अब ए और बी कहीं रहते हैं, मान लीजिए ए और बी जो है दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जो रहते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, अगल बगल रहते हैं बट ये एक दूसरे को जानते नहीं है, तो ऐसा बहुत कम चांस है कि ये दोनों दोस्त होंगे। अगर हम बोले कि ये दोस्त हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी अगर जता है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा जब भी डाउट होगा तो क्या होगा, गलत होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, नाइदर वन एंड टू, एक और दो क्या है, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है ये, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर टू देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन नंबर टू देखिए लिखा हुआ है कि सम चॉकलेट आर क्लिप, लिखिए सम चॉकलेट आर चिप्स है, सम चॉकलेट आर चिप्स, ये लिख लिया हमने, सम चॉकलेट आर चिप्स है, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली, सम चिप्स आर जेली हो जाएगा, ऑल जेली आर डब्लू, ऑल जेली आर डब्लू, ऑल जेली आर डब्लू। अब यहाँ देखिएगा सम जेली आर चिप्स है, अब जेली यहाँ पे है, चिप्स यहाँ पे है, तो ये तो दिख रहा है आपको कि सम का रिलेशन होगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखिए, ऑल चॉकलेट बिंग, पॉसिबिलिटी आ गया, ऑल चॉकलेट बिंग डब्लू, ऑल चॉकलेट बिंग डब्लू, जब सम है तो डाउट के साथ पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्योंकि यहाँ सम पहले से दिया है, ऐसा नहीं बोला गया कि इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं होगा, तो यहाँ डाउट प्लस में क्या हो गया, पॉसिबिलिटी हो गया, डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है, तो बोथ है राइट हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आसान सा, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीन, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन को। क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा है सम फ्रूटी आर माजा, क्वेश्चन नंबर तीन में लिखा हुआ है सम फ्रूटी आर माजा, तो यहाँ पे सम का फिगर बना लीजिए, सम फ्रूटी आर माजा, ठीक है, सम फ्रूटी आर माजा, नो माजा इज स्लाइस, माजा और स्लाइस में कोई रिलेशन नहीं है, माजा और स्लाइस में कोई रिलेशन नहीं है, नो माजा इज स्लाइस, ऑल स्लाइस आर फैंटा, ऑल स्लाइस आर फैंटा, ऑल स्लाइस आर फैंटा, सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट स्लाइस, सम फ्रूटी, फ्रूटी यहाँ पे, और ये लास्ट वाला क्या लिखा है मैंने, फैंटा लिखा हुआ है, तो एफ टी लिख लीजिए फैंटा को, ठीक है, ये फ्रूटी एफ आर लिख लिए हम लोग। अब देखेंगे यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा सम फ्रूटी आर डेफिनेटली नॉट ए स्लाइस, निश्चित रूप से स्लाइस नहीं है, मतलब नो ही बोला गया है, डेफिनेटली नॉट का मतलब क्या होता है, नो होता है, निश्चित रूप से नहीं, तो कुछ फ्रूटी स्लाइस, सम लिखा हुआ ना, तो ये देखिए ये जो कॉमन है ना, फ्रूटी और माजा के बीच में कॉमन है, और हम लोग इतना जानते हैं जो माजा है ना वो जो है फ्रूटी का कुछ हिस्सा के साथ है, शेयर नहीं करेगा अपने आप को, फ्रूटी का जो फैंटा का जो इतना हिस्सा है ना उसके साथ ये शेयर नहीं करेगा माजा अपने आप को, तो ये वाला हिस्सा तो एफ के फ्रूटी के साथ भी कॉमन है, और ये एस वाला हिस्सा फैंटा के साथ भी कॉमन है, तो ये देखिए सम नॉट हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है ना कंफर्म है, मतलब कंफर्म है तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, सम नॉट का यहाँ बनता है। आगे देखिएगा नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, नंबर टू में लिखा हुआ है कि सम फैंटा आर डेफिनेटली नॉट माजा, अब कुछ फैंटा निश्चित रूप से माजा नहीं होगा, तो वो तो क्लियर है क्योंकि एस और एम के बीच में रिलेशन नहीं है, दुश्मनी है, तो एफ का कुछ हिस्सा एस भी है, तो एफ फैंटा भी दुश्मनी रखेगा एफ एम के कुछ हिस्से से, माजा के कुछ हिस्से से, हर हिस्से से, तो इसका भी क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, बोथ वन एंड टू इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वन एंड टू। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है ऑल कार्बन और ऑक्सीजन, ऐसा लिख लिया हमने, ऑल नाइट्रोजन और कार्बन, मतलब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाना होगा, ऑल नाइट्रोजन और कार्बन, ऑल कार्बन आर ऑक्सीजन, ठीक है, अब सही है, सम ऑक्सीजन और सल्फर, सम ऑक्सीजन और क्या हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑल नाइट्रोजन बिंग सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल नाइट्रोजन बिंग इज ए सल्फर इज ए पॉसिबिलिटी, अब नाइट्रोजन यहाँ पे, सल्फर यहाँ पे, दोनों के बीच में तो ऐसा नहीं बोला गया है कि नो का रिलेशन होगा,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला देखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिगर में नहीं है बट डाउट है इसलिए, और साथ में पॉसिबिलिटी दिया है तो ये सही हो जाएगा। नंबर टू देखिएगा, नंबर टू में क्या लिखा हुआ है कि ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, ऑल नाइट्रोजन आर नॉट ऑक्सीजन, तो ये तो दिख रहा है ऑल का रिलेशन है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि गलत होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन कंक्लूजन सही है, ऐसा ऑप्शन में आपको लिखा होगा, ओनली वन कंक्लूजन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच आ गया आपके सामने, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच को, ठीक है, देखिए पांच में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑल सितंबर आर ऑक्सीजन, ऑल सितंबर आर अक्टूबर, ऑल सितंबर, ऑल दिया है ना, ऑल सितंबर आर अक्टूबर, ऐसा लिख लिया हमने, नो अक्टूबर इज नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के बीच में नो का रिलेशन है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में नो का रिलेशन है, नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, नो नवंबर इज दिसंबर, ठीक है, केवल नवंबर और दिसंबर के बीच में रिलेशन ही है, बाकी के साथ हो सकता है। अब पहला कंक्लूजन क्या लिखा है, पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पहला कंक्लूजन कि सम सितंबर आर नॉट नवंबर, सम सितंबर, सितंबर यहाँ पे, नवंबर यहाँ पे, अब जो नवंबर है ना वो अक्टूबर के साथ रिलेशन नहीं रखेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सम नॉट में नो भी सही होता है, अगर नो भी दिखा रहा है ना तो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मतलब सितंबर और नवंबर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो अक्टूबर तक ही नहीं पहुंच पाएगा, तो सितंबर तक कैसे पहुंच पाएगा, तो उन दोनों में नो का रिलेशन आ गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या पूछा गया कि नो अक्टूबर इज दिसंबर, अब दिसंबर यहाँ पे, अक्टूबर यहाँ पे, तो ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया कि दिसंबर तो एन का दुश्मन है, नवंबर का दुश्मन है, बट अक्टूबर से दुश्मनी के बारे में या दोस्ती के बारे में तो कुछ बोला नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छह को, देखते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर छह, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर छह को अच्छे से देखते हैं हम लोग, देखिएगा क्वेश्चन नंबर छह में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर छह में पूछा गया है कि ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, ऐसे बना लीजिए, लैंप आर बोतल, ठीक है, ओनली फ्यू लैंप आर बोतल, नो बोतल इज सिप, अब नो बोतल इज सिप, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन, या ऐसे बना लीजिए ना, ओह ऐसे बना लीजिए, एस ये हटा दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, ऑल सिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ऑल सिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ऑल सिप आर डेफिनेटली नॉट ए लैम्प, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है ऑल सिप नहीं सॉरी सम सिप आर, कुछ सिप निश्चित रूप से लैम्प नहीं होंगे, और यहाँ नीचे लिखा गया ऑल लैम्प कैन नेवर बी सिप, मतलब सम नॉट का रिलेशन आ गया, एक जगह नो का रिलेशन आ रहा है, दोनों रिलेशन किसके बीच में हो रहा है, सिप और लैम्प के बीच में। पहला कंक्लूजन भी देखेंगे तो सम सिप आर डेफिनेटली नॉट लैम्प, ऑल सिप कैन नेवर बी लैम्प, मतलब जहां भी सम और नो देखे, कंक्लूजन वन में सम आ रहा है लैम्प और सिप के बीच में, और कंक्लूजन टू में कैन नेवर बी का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मतलब कभी नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइदर हो जाएगा, आइदर एक होगा, आइदर बनाना ही नहीं है, सीधा लिख देना आइदर वन एंड टू, ऐसे करके आप लिख देंगे सीधा, देखेंगे लिख देंगे। एक क्वेश्चन आपको पांच ही क्वेश्चन दिया जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन इस पे होगा और बहुत आसान सेट होगा आपका, ठीक है, इसलिए कटअप भी हाई जाता है यहाँ पे। आगे लिखेगा, आगे लिखा हुआ है कि ऑल बैम्बू आर स्टिक, ऑल बैम्बू आर स्टिक, ध्यान से देखिएगा ऑल बैम्बू आर स्टिक, कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर सात है ना, ऑल बैम्बू आर स्टिक, स्टिक को एसटी लिख लेते हैं, नो स्टिक इज फिश, नो देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्टिक लिखा नहीं, बैम्बू लिखा हुआ है, नो बैम्बू इज ए फिश, नो बैम्बू इज ए फिश, ये दिया हुआ है। अब सम स्टिक आर फिश है, सम स्टिक आर फिश, सम स्टिक यहाँ पे है, फिश यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टिक और फिश तो अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला यहाँ लिखते हैं तो पहला तो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो डाउट है,
डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है। हम लोग को नहीं पता है कि क्या रिलेशन होगा, तो डाउट में हमेशा गलत होता है। फिगर में वैसा बना नहीं हुआ है, अगर फिगर से मैच करेगा तो 100% सही हो जाएगा। नो स्टिक और फिश हो जाएगा, नो स्टिक और फिश, नो स्टिक है, स्टिक यहाँ पे, फिश यहाँ पे है, तो नो स्टिक और फिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नो स्टिक और फिश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो स्टिक और फिश बोला गया है। तो स्टिक और फिश में नो का रिलेशन है, आप देख के बताइए। तो कहाँ पे नो का रिलेशन लिखा हुआ है, नो बैम्बू इज फिश लिखा हुआ है। बैम्बू किसके अंदर है, स्टिक के अंदर है। ठीक है, सम नॉट अगर होता तो सही हो जाता, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है, तो इन दोनों के बीच में सम का भी रिलेशन हो सकता है, सम नॉट का भी रिलेशन हो सकता है, बट नो के रिलेशन में हम लोग डाउट में है, इसलिए इसको डाउट को हमेशा गलत करेंगे, तो नाइदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, डाउट हमेशा गलत होता है। आगे देखिएगा, अगर ऐसा बोल दिया होता कि स्टिक और फिश के बीच में नो का रिलेशन क्लियर होता तो हम लोग गलत ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ और एस टी के बीच में, स्टिक के बीच में सम भी बन सकता है, ऑल नहीं बनेगा बट सम बन सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए मुझे जहां तक लगता है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा, ओनली ए फ्यू वॉल आर, ओनली ए फ्यू वॉल आर, ठीक है, 8 होगा मुझे लगता है, 8 होना चाहिए, ओनली ए फ्यू वॉल आर मैट, ओनली ए फ्यू वॉल आर मैट, ऑल पिल्लो आर मैट, ऑल पिल्लो आर मैट, ऑल पिल्लो मतलब ऐसे, पिल्लो आर मैट ऐसा बना लिए। अब उसके बाद है एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब मैंने क्या बनाया था, ऑल भी होगा सब भी होगा, एटलीस्ट सम, कम से कम कुछ है, पिल्लो वॉल होगा, वॉल लिखा हुआ है, वेल लिखा हुआ है, डब्ल्यू से लिखा है वेल, तो कुछ पिल्लो क्या होगा, वेल होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, डाउट है, पहला वाला क्या है, डाउट है, तो डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, तो पहले तो गलत होगा, बट नीचे क्या नेवर भी लिखा है, विलो और नहीं, वेल और पिल्लो के बीच में, मतलब ये भी डाउट, ये भी डाउट, बट यहाँ भी 50%, यहाँ भी 50%। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज के बारे में कहा जा रहा है, तो मैंने क्या बोला था, आइदर लगा देना है आपको, आइदर वन होगा एंड टू होगा, दोनों में से कोई एक होगा, वन और टू होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना ही नहीं है आपको, सीधा क्या करना, आइदर लगा देना है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से भी हमने बना लिया, अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि नो फोर्थ सिंबल इज लेटर, नो सिंबल इज ए लेटर, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए, नो सिंबल इज ए लेटर, यहां पे क्या हो जाएगा, नो सिंबल इज ए लेटर, नो सिंबल इज लेटर, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन हो जाएगा, नो सिंबल इज लेटर हो जाएगा। ठीक है, नो सिंबल इज लेटर, ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर, ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर, तो ऑल एक्सप्रेशन आर लेटर, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। और उसके बाद सम सिंबल आर वर्ड, सम सिंबल आर वर्ड, ऐसे हमने बना लिया, सम सिंबल आर वर्ड, नो वर्ड इज लेटर, वर्ड यहाँ पे, लेटर यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन होगा या सम का रिलेशन होगा, जल्दी से बताइए। तो इन दोनों के बीच में पहला मैं यहाँ लिखता हूँ, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नो वर्ड इज लेटर, वर्ड यहाँ पे, लेटर यहाँ पे, डाउट है, डाउट हमेशा क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन हम लोग को ये नहीं पता है कि नो होगा कि सम होगा कि क्या होगा, तो डाउट हमेशा गलत होता है। सम सिंबल बीइंग एक्सप्रेशन इज ए पॉसिबिलिटी, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी दिया है तो ज्यादातर चांस सही होगा, पर भी हम चेक करेंगे, हो सकता है कहीं गलत निकल गया। तो सम सिंबल बीइंग एक्सप्रेशन, सिंबल यहाँ पे, एक्सप्रेशन यहाँ पे, जब बोला गया कि जो सिंबल है वो एल तक जा ही नहीं सकता है तो ई तक कैसे जा सकता है, कोई चांस ही नहीं है, तो यहाँ पे डाउट नहीं है, यहाँ कंफर्म है कि ये गलत होगा। ठीक है ना, तो डाउट प्लस में पॉसिबिलिटी आया ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, नाइदर नाइदर, ठीक है, नाइदर हो जाएगा, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा क्या पूछा गया, सम लॉजिक आर आंसर,
ऑल की आर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दीजिएगा, मेरे से शायद हो सकता है कि गलती हो जाए, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन है, यहां देखिएगा, सम सम लॉजिक आर आंसर, लॉजिक यहां पे, आंसर यहां पे, सम लॉजिक आर आंसर हो जाएगा, ऑल की आर आंसर, ऑल की आर आंसर, ऑल की आर आंसर, ये टोटल फिगर बनेगा, ऑल की आर लॉजिक, की यहां पे, लॉजिक यहां पे, तो ये पहला हो गया और यहां पे दूसरा हो गया, ठीक है, ऑल की आर लॉजिक, ठीक है। तो यहां पे सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे तो ऑल की आर लॉजिक, की यहां पे, लॉजिक यहां पे, डाउट है, तो डाउट हमेशा गलत होता है, तो इसको गलत कीजिए। उसके बाद नो की आर लॉजिक, नो की यहाँ पे, लॉजिक यहाँ पे, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन कहाँ बोला गया है, कुछ भी नहीं बोला गया, तो ये भी डाउट हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो नाइदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ऑल नंबर आर डिजिट, यहाँ लिखिएगा ऑल नंबर, ऑल नंबर आर डिजिट, ठीक है, लिखा गया है कि ऑल नंबर आर डिजिट लिखा हुआ है, ठीक है। सम नंबर आर पॉइंट, सम नंबर आर पॉइंट, सम नंबर यहाँ पे है, पॉइंट यहाँ पे बना लीजिए, सम नंबर आर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, सम नंबर आर पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स, सम पॉइंट आर मार्क्स लिखा हुआ है, ठीक है, सम पॉइंट आर मार्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिया आपने सम पॉइंट आर मार्क्स लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ कंक्लूजन वन हो जाएगा, यहाँ कंक्लूजन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम पॉइंट आर डिजिट हो जाएगा, सम पॉइंट आर डिजिट, पॉइंट यहाँ पे, डिजिट यहाँ पे, तो यहाँ सम दिख रहा है, तो ये सही कर देंगे। उसके बाद लिखा ऑल मार्क्स बींग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल मार्क्स बींग नंबर इज ए पॉसिबिलिटी, मार्क्स यहाँ पे है, नंबर यहाँ पे है, तो ये पॉसिबिलिटी है, डाउट के साथ पॉसिबिलिटी है, तो ये क्या होगा, सही होगा, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपने आसानी से बना लिया। चलिए आगे देखते हैं, अब दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है, येलो यहाँ पे लिखा है, ऑल ग्रीन आर येलो हो जाएगा, नो येलो इज ब्लैक 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 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन नहीं हो जाएगा, नो येलो इज ब्लैक हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद नो ग्रीन इज आर ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, नो का रिलेशन लिखा हुआ है, तो ये तो मुझे लगता है कि पहला क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये दिख रहा है, क्योंकि ये येलो तक नहीं जाएगा तो ग्रीन तक जाने का सवाल ही नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे सम ग्रीन आर ब्लैक हो जाएगा, ग्रीन यहाँ पे है, ब्लैक यहाँ पे है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सीधा दिख रहा है, नो का रिलेशन होगा, वाई तक जा ही नहीं पा रहा है, तो जी तक कैसे जाएगा, तो कंफर्म इसका क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका बन गया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑल चेयर आर सोफा, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऑल चेयर आर सोफा, ठीक है, ऑल चेयर आर सोफा, ऐसे लिख लिया हमने, चेयर कर लेते हैं चेयर को, ऑल चेयर आर सोफा। उसके बाद ओनली फ्यू सोफा आर बेड, मतलब केवल कुछ ही सोफा क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा, ओनली फ्यू सोफा आर बेड। उसके बाद नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, नो बेड आर कॉटन, इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। अब यहाँ पे सम सोफा आर बेड इज ए पॉसिबिलिटी, सम सोफा, सोफा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे नंबर टू हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है, सम सोफा आर नॉट बेड, सोफा यहाँ पे है और यहाँ सम नॉट का तो मुझे चांस ही नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई सम नॉट का चांस होगा, ठीक है। सम सोफा आर नॉट बेड, यहाँ तो दिख रहा है कि सम सोफा आर नॉट बेड, तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है कि गलत होगा, क्योंकि यहाँ तो ऑल दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब ऑल चेयर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ओनली फ्यू सोफा आर बेड, नहीं ये क्या है ना, ये ओनली फ्यू सोफा है ना, ओनली फ्यू बोला गया, मतलब कुछ ही सोफा है, मतलब यहाँ सम नॉट होगा। ओनली फ्यू में क्या होता है, ओनली फ्यू में क्या होता है, मैं बता देता हूँ ओनली फ्यू का क्या होता है,
सबनॉट होता है, सबनॉट होता है, और लीफ यू मतलब क्या होता है, सबनॉट होता है, ठीक है। तो यहाँ सबनॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम सोफा आर नॉट कर्टन, सम सोफा आर नॉट कर्टन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम सोफा आर नॉट कर्टन, तो सही है। नो का रिलेशन बन गया तो सम नॉट का भी रिलेशन बन गया, तो सही हो जाएगा, मतलब बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओनली ए फ्यू कॉफी आर टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले मैं हटा देता हूँ, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओनली फ्यू कॉफी आर टी हो जाएगा, 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 ऑल टी इज ए ड्रिंक हो जाएगा, ऑल टी इज ड्रिंक हो जाएगा, ऑल टी इज ए ड्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ ओनली फ्यू ड्रिंक है, ओनली फ्यू जहाँ लिखा हुआ है ना वहाँ पे इसी तरह का फिगर बनाइएगा ताकि आपको पहचान में आए। ओनली फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, ओनली फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड ड्रिंक, ये लिखा है ना, कोल्ड ड्रिंक लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक मतलब सीडी लिखा हुआ है। अब सम टी आर इज नॉट ए कोल्ड ड्रिंक, कुछ टी कोल्ड ड्रिंक नहीं है। अब यहाँ हम लोग को ध्यान से देखना होगा कि कोल्ड ड्रिंक और टी के बीच में ओनली फ्यू तो नहीं है ना, तो कोल्ड ड्रिंक और टी के बीच में ओनली फ्यू नहीं है, ठीक है ना, वो डी के साथ है, सी और टी के बीच में है, बट इसके साथ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कंफर्म, ठीक है ना। आगे देखिएगा, डाउट होगा तो डाउट गलत होगा। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तो ऑल दिख रहा है, ऐसे भी हम लोग को ऑल ही दिख रहा है, यहाँ पे ओनली फ्यू मतलब यहाँ नॉट का कोई मतलब ही नहीं, सब नॉट होगा ही नहीं। नो कॉफी इज ए ड्रिंक, तो कॉफी और ड्रिंक यहाँ पे, तो यहाँ तो ऑल हो रहा है या सब नॉट हो रहा है, मतलब फ्यू हो रहा है, तो यहाँ पे नो का मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब नाइदर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर। दोस्तों सिलोलिज्म में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे सभी को हमने अच्छे तरीके से देख लिया, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, इन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आपको केवल याद रखना है कि साइन अगर सेम है तो सही है, साइन अगर मिसमैच करता है, साइन अगर मिसमैच करता है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। साइन अगर मिसमैच होगा तो क्या होगा, गलत होगा, तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को चाहिए दो एलिमेंट के बीच में, ए ग्रेटर देन में बी है, और हम लोग का निकल के आ जाता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो कंक्लूजन होगा ये गलत होगा। पहले आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया होगा, उसी स्टेटमेंट के आधार पे आपको क्या बताना है, कि बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, दूसरे लाइन में आपको कंक्लूजन दिया हुआ है, दो कंक्लूजन। अब इन दोनों कंक्लूजन में बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ओनली वन सही है कि ओनली टू सही है, या फिर आइदर सही है, दोनों में से कोई एक सही है, या फिर दोनों गलत है, नाइदर हो जाएगा, या फिर बोथ, दोनों का दोनों सही होगा तो बोथ होगा। तो यही पांच ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। केवल इतना याद रखिएगा कि साइन मैच किया तो सही होगा, साइन मिसमैच किया तो गलत होगा, सेम साइन मिला तो ही सही होगा, ग्रेटर देन पूछा तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला भी गलत होगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, जितना चाहिए उतना ही हम लोग को देखना है। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को हम बना के देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिए, ए लेस देन में बी, ए लेस देन में बी, एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद में से बिना क्वेश्चन लिखे बनाऊंगा, ठीक है। एग्जाम में भी आप कोशिश करना है कि आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़े, मन में ही बना ले, ठीक है। देखिएगा बी लेस देन इक्वल टू में वी यहां लिखा हुआ है, और यहाँ पे m ग्रेटर देन में r हो जाएगा, m ग्रेटर देन में r हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग को कंक्लूजन देखना होगा, कंक्लूजन क्या लिखा हुआ देखिएगा, b ग्रेटर देन में r, b ग्रेटर देन में r देखना है, तो क्या हो जाएगा, b से r तक जाना है, तो b से r तक जाने के लिए यहाँ पे r है, उसमें m कॉमन है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को मिलाना होगा, तो मिलाइएगा, तो b ग्रेटर देन में n इक्वल टू में m, m के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन r, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से देखिए b के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, ग्रेटर देन का साइन है, और इक्वल टू के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ क्या हो गया, ग्रेटर देन का साइन हो गया, मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है, अगर हम लोग निकालेंगे b ग्रेटर देन में r, और ये चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, मतलब हमने सही किया। आगे देखिएगा नंबर टू में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है। v ग्रेटर देन में a, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए b और v मिल गया,
और यहाँ इस पार्ट को ले लेंगे तो बन जाएगा, देखिएगा ए लेस देन में बी ऐसा लिखा हमने, और बी के बाद कौन सा साइन है, लेस देन इक्वल टू, और बी तक पहुंच गए। अब देखिए वी के बाद ग्रेटर देन, तो वी के सामने क्या किया हुआ है, मुंह खोला हुआ है। एक चीज और बता दूं, ये क्या होता है, जहां मुंह खोला रहेगा ना वहां ग्रेटर देन होगा, जहां मुंह बंद किया होगा उसको बोलेंगे स्मॉलर, स्मॉलर देन बोलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए मैं वी के सामने मुंह खोला हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बोलेंगे, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिल गया हम लोग को, मतलब दो जगह ग्रेटर देन मिल गया, ए तक हम पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मतलब ये सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन वन एंड टू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू को, ठीक है, वन बना लिया हमने, टू को बना लेते हैं, और इस चीज को हम क्या करते हैं ना, ये ऑप्शन आप लोगों को पता चल गया होगा, तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, और यहाँ इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं कि हमारे पास स्पेस ज्यादा हो, अब आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा। देखिएगा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू को देखिएगा ध्यान से, देखिएगा क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू में, क्वेश्चन नंबर टू में दोस्तों पूछा गया, देखिएगा डी लेस देन में ई ग्रेटर देन में एफ, मैं आप लोग को स्टेप से ही बताऊंगा क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है, ठीक है, एफ तक जाना है आपको। आप लोग मन में भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एग्जाम में क्या करता हूँ, मन में ही बनाता हूँ इसको, लिख के नहीं बनाइएगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगेगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाने हैं। आई और लेस देन इक्वल टू में जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू में अब जे हो जाएगा। अब देखिएगा एफ से आई तक जाना है, एफ कहाँ पे, एफ यहाँ पे है, आई यहाँ पे है, और हम लोग को क्या देखना है पहले वाले में, हम लोग को पहले वाले में देखना है कि एफ ग्रेटर देन में आई मिलेगा कि नहीं। तो एफ के बाद देखिए ग्रेटर देन का है, इक्वल टू का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये सही हो गया, यहाँ से यहाँ तक गए कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ये नंबर वन हो गया, मतलब पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या लिखा हुआ है कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू में, यहाँ पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू में ई चाहिए, जे ग्रेटर देन इक्वल टू में ई चाहिए। तो देखिए जे यहाँ पे ग्रेटर देन, जे के सामने बुक खुला हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, और ई तक जाना है, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे देखिए साइन मिसमैच करके, ऐसे अगर हो जाएगा ना तो साइन मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नहीं बता सकते कि ग्रेटर देन होगा कि इक्वल टू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन में आपसे पूछा गया, देखिएगा ये भी सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, मैं डायरेक्ट इनको मिलाने का कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पे लिख दिया मैंने, लिखा हुआ है कि एम लेस देन में एन, लेस देन में ओ, ग्रेटर देन में पी। एम लेस देन में एन, लेस देन में क्या लिखा हुआ है, लेस देन में ओ, और ओ ग्रेटर देन में पी, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ n से e तक जाना है, n और कॉमा देखिए क्या लिखा है, n n n n लेस देन में e, इसका जरूरत होगा तो हम लोग को मिलाना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। अब देखिए मैं बिना लिखे इस बार बनाऊंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, बिना लिखे बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें चेक करना e से, e लेस देन में m होगा, e लेस देन में m, e यहाँ पे, e यहाँ पे, यहाँ ग्रेटर देन का साइन है, e के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ये यही पे गलत हो जाएगा, यही पे साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया। यहाँ बोला कि हमको लेस देन का साइन चाहिए, बट यहाँ पे आ गया ग्रेटर देन का साइन, क्योंकि ई के बाद मुंह खोला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, तब आगे हम लोग देखेंगे ही नहीं। देखिएगा अगला, अगला पूछा है ई ग्रेटर देन में ओ, ई ग्रेटर देन में ओ, तो ई ई ई ग्रेटर देन का साइन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एन तक पहुंच गए। अब एन के बाद देखना ओ तक जाना है, तो ये लाइन को मिलाएंगे ना, तो एन के बाद लेस देन, अगर हम इसको मिला के लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको, एन लेस देन में ओ ये लिखे, और n के बाद कौन सा साइन है, लेस देन, और e के सामने मुंह खोला हुआ है, तो देखिए साइन मिसमैच, मतलब ये पहुंचा नहीं पाएगा, अपोजिट हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर, और ऑप्शन जो मैंने शुरुआत में दिखाया था उसमें कहाँ पे लिखा था, ये ऑप्शन चौथे ऑप्शन में लिखा था, मतलब ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ठीक है ना, जो मैंने ऑप्शन दिया था उसके अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन भी हमने बना लिया, अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर चार को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर चार को दोस्तों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर चार में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर चार बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर चार में आपसे पूछा गया है कि सी ग्रेटर देन में डी, इसको लिख लेते हैं, सी ग्रेटर देन इक्वल टू में डी, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेस देन ई इक्वल टू में एफ, लेस देन ई इक्वल टू में एफ, ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है।
और ग्रेटर देन इक्वल टू में जी, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब उसके बाद कॉमा सी लेस देन डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉमा सी लेस देन डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहां देखिएगा पहला क्या लिखा है, ई इक्वल टू में जी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई इक्वल टू में जी लिखा हुआ है। और यहाँ दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में यहाँ लिखा हुआ है जी, जी लेस देन में ई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जी लेस देन में ई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू में जी जाना है, ई इक्वल टू में जी। अब यहाँ पे देखिएगा ये स्टेटमेंट बता रहा है ई से जी तक पहुंचा देगा आपको, बट यहाँ पे इक्वल टू है कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे मिसमैच कर गया, ये दोनों साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये केवल इक्वल टू है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन गलत हो जाएगा, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे देखिएगा जी से ई तक जाना है, तो जी से ई तक जाना है तो ई यही पे है ना, जी से ई तक, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ लेस देन का साइन है, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे जी और ई के बीच में रिलेशन, तो ई ग्रेटर देन इक्वल टू में जी, तो बात तो एक ही चीज़ कह रहा है ना, मतलब है या तो ई ग्रेटर देन में जी जी होगा, ई ग्रेटर देन में जी होगा, या फिर ई इक्वल टू में जी हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाता है, आइदर हो जाता है, ऐसे में क्या होता है, आइदर हो जाता है, आइदर मतलब है तीन हो जाएगा, या तो वन सही होगा या तो टू सही होगा, तो आइदर को ऑप्शन देखेगा, आइदर वन और टू, तो ऐसा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चार को हमने बनाया, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पांच को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर पांच में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पांच में आपसे पूछा गया है कि आर लेस देन में टी, आर लेस देन में टी, आर लेस देन में टी, लेस देन में एस, ठीक है, उसके बाद लेस देन में एस हो गया, उसके बाद लेस देन में पी, और फिर ग्रेटर देन में ओ, ऐसे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन में क्यू, क्यू ग्रेटर देन में क्यू, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा आर, यहाँ अगर हम लोग थोड़ा स्पेस ले ले तो ये भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा, क्वेश्चन नंबर पांच है ना, कॉमा आर ग्रेटर देन में एक्स, तो आर के बाद एक्स ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए और यहाँ पे एक्स लिख दीजिए, लिख दीजिए, तो ये एक लाइन में बन गया, ठीक है। हमने क्या किया, दूसरे स्टेटमेंट को भी पहले में मिला दिया। अब देखिएगा पहला, पहला क्या पूछा है, एस लेस देन में क्यू, और दूसरा क्या पूछा गया, दूसरा कंक्लूजन क्या पूछा गया, एक्स लेस देन में एस हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा एस लेस देन में क्यू, एस के बाद लेस देन का साइन देखना और क्यू तक पहुंचना है, बट यहाँ पे साइन क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये गलत, इसके बारे में आप सोचना ही नहीं है हम लोग को, और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, हमने क्या लिखा, एक्स, एक्स से हम लोग को कहाँ तक पहुंचना है, एक्स से हम लोग को एस तक पहुंचना है, तो यहाँ देखिए एक्स के बाद लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, लेस देन का साइन, कहीं भी साइन मिसमैच नहीं किया, आसानी से पहुंच गए, मतलब ये वाला सही, ऑनली कितना हो जाएगा, ऑनली टू फॉलो, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच के बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छह को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर छह, ठीक है, पांच के बाद क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा, पांच के बाद क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा, ठीक है, देखिएगा ऑनली टू इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सही है पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर छह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर छह देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पी लेस देन में आर, ये लिख लीजिए, लिखेंगे तो ज्यादा समझने में आसान होता है, पी लेस देन में आर लिखा हुआ है और इक्वल टू में एम लिखा हुआ है, उसके बाद इक्वल टू में एल लिखा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग देखिए और लिख के आप लोग भी बनाइएगा, कॉमा कहीं नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग लिख क्यों रहे हैं, अच्छा लिख लेते हैं, आपको समझाना है मुझे, ओ हो जाएगा, ठीक है, लेस देन में वी हो जाएगा, ठीक है, अब ग्रेटर देन में वाई हो जाएगा। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, एल ग्रेटर देन में पी, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, ओ ग्रेटर देन में आर। अब यहाँ एल से पी तक जाना है, एल यहाँ पे, पी कहाँ पे, पी यहाँ पे, इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल के सामने ग्रेटर देन का साइन यहाँ मिल गया, ग्रेटर देन इक्वल टू में से ग्रेटर देन कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ भी ग्रेटर देन मिल गया, मतलब साइन मिसमैच नहीं किया, तो ये सही हो गया पहला। अब ओ से आर तक जाना है, ओ यहाँ पे है, आर यहाँ पे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, तो ओ के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए, बट यहाँ ओ के बाद लेस देन का साइन है, तो ये यही पे गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली वन फॉलो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली वन फॉलो, तो क्वेश्चन नंबर छह हमने बना लिया। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सात को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सात एक लाइन में लिखा हुआ है, तो इससे भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर सात में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया है कि ए ग्रेटर देन में बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, ठीक है,
ग्रेटर देन में डी, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू में एफ है, सही है, उसके बाद लेस देन में ई, ठीक है, उसके बाद लेस देन इक्वल टू में सी, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा। अब उसके बाद पहला कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, बी बी ग्रेटर देन में ई, और दूसरा कंक्लूजन आपको दिया हुआ है क्या कि डी लेस देन में सी। तो बी ग्रेटर देन में ई, बी से ई तक जाना है, तो देखिए यहाँ पे साइन मिसमैच कर गया, ई तक पहुँच रहे मैं, तो ये गलत साइन मिसमैच कर गया, ग्रेटर देन चाहिए था, इक्वल टू भी मिला, बट यहाँ पे लेस देन का साइन हो गया, और जबकि ई के सामने मुंह बंद किया, यहाँ ई के सामने मुंह खोला है, तो ये गलत है। डी ग्रेट लेस देन में सी, डी यहाँ पे है, सी तक जाना है, तो यहाँ इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बना रहे हैं, और मैं सच बोलूँ तो ये सब क्वेश्चन आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, इतने आसानी से आप बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने बना लिया, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आप बिना देखे बना लीजिएगा, बिना देखे बना लीजिएगा, मतलब बिना लिखे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे देखिएगा हम लोग को निकालना क्या है, सी लेस देन में ए, और एक जगह निकालना है सी इक्वल टू में ए, यही निकालना है। तो यहाँ देखिए ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, अगर हम लोग ए से लिखना स्टार्ट करें, इक्वल टू में ई तक जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में सी तक जाएगा, डी तक जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू में सी, तो अगर ए और सी के बीच में कंक्लूजन निकाले तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू में सी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने लिख दिया, अब इसका मतलब क्या होगा, या तो ए ग्रेटर देन सी होगा या फिर ए इक्वल टू में सी होगा, यही चीज तो लिखा हुआ है, यही तो चीज लिखा हुआ है ना, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा, आइदर एक और तीन, आइदर एक और दो हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 भी कितना ज्यादा आसान है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आसान है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे अगर आपसे पूछे जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, 9 में दिया हुआ है कि के और एफ है, के लेस देन में एफ, हम कंक्लूजन लिखते हैं उससे बनाते हैं, के लेस देन में एफ है, इसके लिए अब स्टेटमेंट को लिखिए, के से एफ तक हम लोग को लिखना होगा, कि एफ पे लिखा हुआ है शुरुआत में क्या, एफ ग्रेटर देन में एन, ठीक है, इक्वल टू में ओ, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में मन से ही बना लीजिएगा, मन में ही बना लीजिएगा। यहाँ पे साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, के बाद हम लोग को लेस देन का साइन चाहिए था, यहाँ पे के बाद ग्रेटर देन का साइन है, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो केवल एक साइन देख के आप बता सकते हैं सही होगा कि गलत होगा। दूसरा में क्या लिखा हुआ है, दूसरे में लिखा हुआ है देखिएगा, एन लेस देन में के लिखा हुआ है, एन लेस देन में के लिखा हुआ है, तो एन से के तक जाना है, तो एन लेस देन में के, देखिए इक्वल टू का साइन तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ ग्रेटर देन का साइन मिल गया एन के बाद, और यहाँ ऐसे भी साइन क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नाइदर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, नाइदर हो जाएगा आपका आंसर, नाइदर वन नॉर टू। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और कितने आसानी से हम लोग सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसे भी मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे ही बनाने का कोशिश करूंगा, जितना जरूरी होगा बस से उतना लिखूंगा, ठीक है। पहले मैंने आप लोग को अच्छे से समझा दिया है, आगे देखिएगा इसमें क्यू ग्रेटर देन में एस, क्यू ग्रेटर देन में एस, और यहाँ कुछ दूरी पे हम लोग दूसरे कंक्लूजन को लिखते हैं, एस इक्वल टू में क्यू, ये तो पक्का दिख रहा है कि आइदर होगा, आइदर वन और टू ऐसा होगा। अब देखिए ना, क्यू के बाद देखिए, क्यू के बाद कौन सा साइन है, ग्रेटर देन का, और एस तक पहुंच गया ऐसे ही, मतलब क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में एस है, मतलब दो साइन छुपे हुए हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो आइदर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी हमने कितना आसानी से बना लिया। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, जे लेस देन में डी, ठीक है, जे लेस देन में डी, और ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, तो हम तो डायरेक्ट बना सकते हैं, हम इतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको लिखेंगे अभी, क्योंकि आप लोग को बनाने आ गया है। पहला कंक्लूजन है जे लेस देन में क्यू, और दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, एल लेस देन में आर, ठीक है। अब यहाँ हम पहले के बारे में बात करते हैं, तो पहले के बारे में अगर बात करें तो जे से हम लोग को कहा जाना है, क्यू तक जाना है, तो जे से क्यू तक जाएंगे, तो जे के बाद लेस देन का साइन चाहिए था, तो लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन मिला, लेस देन इक्वल टू के साइन से कोई दिक्कत नहीं है, और लेस देन इक्वल टू के साइन से कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग को मिल गया जे लेस देन में क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखिएगा एल लेस देन में आर, तो एल के बाद देखिए लेस देन का साइन है, और यहाँ पे देखिएगा
एल के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, देखिएगा क्या गलत है, ये गलत होगा, क्यों गलत होगा देखिएगा, एल के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, के लिखा हुआ है, फिर लेस देन का साइन लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है शायद, और क्यू के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में आर लिखा हुआ है, मतलब ये साइन क्या हो गया, मिसमैच हो गया, मतलब ये गलत हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने दोस्तों काफी आसानी से बना लिया। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है, इस चीज को हम हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को लिखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि ओ ग्रेटर देन में पी, ओ ग्रेटर देन में पी, ठीक है, ये लिखा हमने, ओ ग्रेटर देन में पी इक्वल टू में जी, इक्वल टू में जी, उसके बाद लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन में बी, ग्रेटर देन में बी, उसके बाद लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में एम लिखा हुआ है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू में एक्स इक्वल टू में एम, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम भी लिखते तो चल जाता, और लेस देन इक्वल टू में एच लिखा हुआ है। पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, पहला कंक्लूजन देखिएगा, पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, जी ग्रेटर देन में एक्स हो जाएगा, जी ग्रेटर देन में एक्स हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन देखिएगा, दूसरा कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है ओ ग्रेटर देन में एम, ओ ग्रेटर देन में एम। अब देखिएगा ये तो एक लाइन में लिखा हुआ है, जी से एक्स तक जाना है, जी यहाँ पे एक्स यहाँ पे, कहीं भी साइन नहीं मिसमैच हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ये सही हो गया, ये ओके है। ओ ग्रेटर देन में एम, ओ यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और एम तक पहुँच गए, मतलब ये भी सही है, बोथ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बोथ वन और टू राइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी दोस्तों हमने बना लिया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन में बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू में बी, ऐसे लिखा हुआ है, ए ग्रेटर देन में बी, ग्रेटर देन इक्वल टू में सी, ग्रेटर देन इक्वल टू में सी, इक्वल टू में डी, इक्वल टू में डी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन ई हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ लेस देन में इक्वल टू में एफ हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, लिखा हुआ जी लिखा हुआ है, ठीक है। पहला कंक्लूजन देखिए और दूसरा कंक्लूजन देखिए, पहला कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, ई लेस देन में बी लिखा हुआ है, ई लेस देन में बी लिखा हुआ है, दूसरा कंक्लूजन लिखा हुआ है जी ग्रेटर देन में ई लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब ई से बी तक देखना है, तो ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है, बी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ई के बाद लेस देन का साइन, लेस देन का साइन इक्वल टू का साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ लेस देन का इक्वल टू में लेस देन कॉमन है, तो ये सही हो जाएगा। अब जी से ई तक जाना है, जी के बाद ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, यहाँ भी ग्रेटर देन, यहाँ भी ग्रेटर देन, और ई तक देखिए आसानी से पहुंच गए ग्रेटर देन के साइन के साथ, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बोथ वन एंड टू हो जाएगा, ये दोनों के दोनों सही है, कहीं भी गलत नहीं है, बट यहाँ अगर इक्वल टू आ जाता तो गलत हो जाता है, क्योंकि रिलेशन तब निकल जाता ई लेस देन इक्वल टू में जी, बट हम लोग को केवल ग्रेटर देन मतलब लेस देन ही चाहिए था, या ग्रेटर देन भी बोल सकते हैं, तो ये गलत हो जाता है, मतलब जो साइन चाहिए वही साइन आपको एग्जैक्ट मिलना चाहिए, हल्का सा भी मिसमैच मतलब गलती। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पे क्यू और पी, ठीक है, देखिए वन लिखते हैं, हम लोग को कंक्लूजन क्या निकालना है, क्यू ग्रेटर देन में पी निकालना है, दूसरा कंक्लूजन क्या निकालना है हम लोग को, वी लेस देन में आर निकालना है, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए क्यू से पी तक जाना है, क्यू से पी तक जाना है, तो क्यू से पी तक जाना है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन कौन सा है, हम लोग को क्वेश्चन लिखना पड़ जाएगा लगता है, ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन शायद लिखना होगा, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, पी लेस देन में आर, पी लेस देन में आर, लेस देन में टी हो जाएगा, लेस देन में टी हो जाएगा, उसके बाद इक्वल टू में यू हो जाएगा, इक्वल टू में यू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सेमी कॉलन दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्यू ग्रेटर देन में टी हो जाएगा, क्यू ग्रेटर देन में टी लिखा हुआ है, और लेस देन इक्वल टू में एस लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू में एस लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन में भी लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू में भी। अब यहाँ देखिए क्यू से पी तक जाना है, तो क्यू से पी तक जाना है, तो पी इसके पास है पहले स्टेटमेंट के पास, क्यू है दूसरे स्टेटमेंट के पास, तो क्यू और टी यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दीजिए, तो ये हो जाएगा पी लेस देन में आर हो जाएगा, लेस देन में टी हो जाएगा, और टी के बाद यहाँ लेस देन का साइन दिया और क्यू लिख दिए। अब क्यू ग्रेटर देन टी ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन पी, तो ये वाला सही है, पहला सही हो जाएगा। वी से आर तक जाना है, तो वी कहाँ पे, वी यहाँ पे, वी के बाद कौन सा साइन है, लेस देन, यहाँ भी लेस देन, इक्वल टू कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ टी,
बट साइन यही पे मिसमैच हो जा रहा है, साइन यही पे मिसमैच हो जा रहा है ना, ग्रेटर लेस देन ग्रेटर देन मिसमैच कर गया, गलत कर देंगे। टी तक पहुंचेंगे क्यों, क्योंकि टी यहां भी है, दोनों को मिलाते हैं, बट यही पे साइन मिसमैच कर गया, तो हम गलत करेंगे, ओनली वन कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन काफी आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया कि टी लेस देन में पी, टी लेस देन इक्वल टू में पी लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, एन लेस देन में एल। अब मैं इस बार क्वेश्चन को नहीं लिखने वाला हूं, मतलब इसको डायरेक्ट बनाएंगे, टी लेस देन में पी। अब टी से पी तक पहुंचना है, तो टी के बाद देखिए लेस देन का साइन है, मुंह बंद किया है टी की तरफ है, दोनों में कॉमन खोजिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एम है, तो एम तक पहुंचे, लेस देन इक्वल टू का साइन मिला, कोई दिक्कत नहीं है, अभी यही साइन चाहिए। फिर एम के बाद देखिए इक्वल टू का साइन मिलता है, फिर ग्रेटर ने एम के बाद इक्वल टू का साइन मिलता है, और ओ मिलता है, ओ उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू मिल जाता है, तो ये सही हो जाएगा। आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे लिखना होगा, मैं लिखता हूं एम तक, एम एम ग्रेटर देन इक्वल टू में एस, ग्रेटर देन इक्वल टू में टी, यहां तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद एम के बाद इक्वल टू का साइन लिखा हुआ, इक्वल टू ओ, यहां तक लिखा हमने इक्वल टू ओ, ओ के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में पी, ओ के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू में पी। अब देखिएगा पी के बाद ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए था, बट यहाँ लेस देन का साइन है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। पहले ही हम देख लेते हैं, तो पहले ही हम पता कर लेते हैं कि गलत है, क्योंकि पी के बाद वहां लेस देन का साइन दिया है, और कंक्लूजन में कह रहा है कि ग्रेटर देन का साइन होगा। अब एल लेस देन में आर, एन के बाद लेस देन इक्वल टू का साइन है, और एल के बाद देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो ये सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए हम लोग लिखते हैं एल 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 ग्रेटर देन में एम, एम तक लिख लिए पहले स्टेटमेंट से, जो पहला पार्ट दिया स्टेटमेंट का, और दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में हमें कहाँ तक जाना, एन तक, तो एम के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में एन, ऐसे लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहां से हमें ये मिल जाएगा जो चाहिए था, तो ये सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑनली टू हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन दोस्तों हमने अच्छे से बना लिया, काफी आसानी से बना लिया। तो इन इक्वेशन में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते थे, हो सकते थे, सभी हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना, और कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। लिखा हुआ अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर। अब देखिए आपको बनाना कैसे, मैं स्टेप बाई आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अरेंज को ए आर लिख लिया आपने, अरेंज थिंग्स को टी एच लिख लिया, आपको केवल याद रहे कि अरेंज थिंग्स इन ऑर्डर, इन आपका दो लाइन में लिखा हुआ है, अदर लिखा हुआ ना शायद, ऑर्डर लिखा हुआ, ऑर्डर को ओ आर लिख लीजिए। अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है पी ओ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी एग्जाम में बना सकते हैं, डायरेक्ट कोड भी निकाल सकते हैं, बट उसको उसके लिए आपको पहले स्टेप तो आना चाहिए ना, तब बना पाइएगा। यहाँ पे आई के लिखा हुआ है, यहाँ पे आई के लिखा हुआ है, और यहाँ पे एम एन लिखा हुआ है, ठीक है, इतना आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, नीचे वाला लिखना है ऑर्डर ओ आर ऑर्डर, उसके बाद यहाँ फोर एफ आर लिख लीजिए फोर को, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखे न्यू एन डब्ल्यू लिख लीजिए न्यू को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थिंग्स है टी एस लिख लीजिए थिंग्स को। अब इसका कोड क्या लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है पी ओ जी बी एफ सी, पी ओ जी बी, पी ओ जी बी, ठीक है, वैसे ही लिखा है पी ओ जी बी एफ सी बी भी, एफ सी बी भी ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद देखते हैं न्यू प्लेस टू ऑर्डर, न्यू एन डब्ल्यू प्लेस पी एल टी ओ टू ऑर्डर ओ आर ऑर्डर, ये लिखा है ना, इसका कोड लिखा है जी बी सी क्यू बी भी, पहले लिखते हैं जी बी सी क्यू लिखा हुआ है क्या, सी क्यू बी भी आर ए, बी भी आर ए, इसको हम लोग चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं। आगे देखिएगा प्लेस इन अननोन कंट्री, प्लेस इन अननोन यू एन कंट्री सी एन लिख लीजिए कंट्री को, दो अक्षर में ही सबको लिखना है, शॉर्ट में लिखना है कि आपको पहचान में आए, तो इसका हो जाएगा डी रा एल एफ आई के, डी
रा एल एफ आई के लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, आई के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में इसलिए लिखा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन क्या क्या है, देखिए ऑर्डर कॉमन है, ऑर्डर कॉमन है, ऑर्डर कॉमन है, 3 जगह ऑर्डर है। तो ऑर्डर का कोड क्या निकलेगा, ऑर्डर का कोड निकल जाएगा यहाँ पे भी 3 जगह कॉमन होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। देखिए क्या कॉमन है, पीओ पीओ दो में कॉमन है, जीबी देखिए जीबी कॉमन है, जीबी कॉमन है, जीबी कॉमन है। तो ऑर्डर का कोड क्या निकलेगा, जीबी निकल जाएगा, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए और कुछ कॉमन है, इन कॉमन है, पहले के पास इन है, लास्ट के पास इन है। तो इन यहाँ लिखिए, इन दो आदमी के पास, दो स्टेटमेंट के पास कॉमन है इन। तो फर्स्ट और लास्ट में देखिए आई के कॉमन है, यहाँ पे आई के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लिए हम लोग आई और के, यहाँ तक भी आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद देखिए थिंग्स यहाँ कॉमन है, और थिंग्स कहीं पे तो और लिखा हुआ है, थिंग्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड में थिंग्स कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकेंड में कुछ तो कॉमन होगा, पी ओ कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं, कॉमन है, तो पी ओ हो जाएगा थिंग्स का कोड, मतलब THINGS थिंग्स का कोड हो जाएगा, क्या थिंग्स का कोड हो जाएगा, पी ओ, ठीक है। आगे देखिएगा, थिंग्स का कोड हमने लिख लिया पी ओ। उसके बाद ए आर अरेंज का कोड क्या हो जाएगा, अब अरेंज पूरा लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, अरेंज का कोड ये बच गया एम एन, एम एन मतलब क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ है यहाँ पे, न्यू देखिए न्यू यहाँ पे कॉमन है, न्यू यहाँ पे कॉमन है, तो न्यू का कोड यहाँ लिख लीजिए। तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा, न्यू का कोड देखिए, न्यू का कोड क्या हो जाएगा, न्यू का कोड हो जाएगा सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड और थर्ड में बी भी कॉमन है, बी भी कॉमन है सेकेंड और थर्ड में, तो बी भी हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड से बी भी हो जाएगा। एफ आर मतलब अकेले बचा फोर का, एफ ओ आर फोर ये लिखा हुआ था, तो इसका हो गया एफ सी। यहाँ तक भी आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे, ये कॉमन हो गया। उसके बाद पी एल पी एल पी एल पे कॉमन है, पी एल मतलब क्या लिखा हुआ है, पी एल मतलब प्लेस लिखा हुआ है, तो प्लेस यहाँ कॉमन है, प्लेस यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो प्लेस का कोड क्या हो जाएगा, प्लेस का कोड हो जाएगा थर्ड और फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में रा कॉमन है, क्या कॉमन है, रा, तो प्लेस का कोड हो जाएगा रा, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कुछ नहीं होता तो ये दोनों में से आइदर हो जाता, मतलब ये दोनों इसमें भी होते हैं तो आइदर हो जाता सी क्यू या बी भी। उसके बाद टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू हो जाएगा, टू का कोड क्या हो जाएगा, सी क्यू। और कुछ बच गया, यहाँ पे ये दोनों बच गए। देखिए जैसा मैं कह रहा था, अभी मैं क्या कह रहा था कि अननोन कंट्री, अब अननोन कंट्री कहीं पे नहीं है, तो अननोन कंट्री का या तो ये डी ई हो जाएगा नहीं तो एल एफ हो जाएगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या होगा। देखिए तो ऑर्डर का कोड हमने निकाला हुआ जी बी, तो पहले का आंसर मिल गया जी बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, ऑर्डर का कोड क्या हो जाएगा, जी बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा आप लोग, ऑर्डर का कोड हमने जी बी निकाल लिया। तो उसके बाद आगे पूछा गया आपसे कि व्हाट मे बी द कोड फॉर द थिंग्स टू वैनिश, थिंग्स टू वैनिश, थिंग्स से थिंग का कोड क्या है, पी ओ, टू का कोड क्या है, सी क्यू। यहाँ पे मैं लिखू ना, जो मिल गया पी ओ मिल गया, सी क्यू मिल गया, ये दोनों तो ऑप्शन में होंगे, और तीसरा एक क्या होगा ना, अपने मन से होगा। तो तीसरा देखिएगा पी ओ सी क्यू एच एक्स कहीं नहीं है, पी ओ सी क्यू एच एक्स है, पी ओ सी क्यू पी ओ, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एच एक्स यहाँ पे कोड में है ही नहीं, ये यूनिक है। और जो लिखा हुआ ना यहाँ पे थिंग्स टू वैनिस, वैनिस भी इस कोड में कहीं पे नहीं लिखा हुआ है वैनिस, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज करते हैं हम लोग। इसमें और क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर अरेंज, अरेंज का कोड क्या है, तो अरेंज का कोड हो जाएगा एम एन। देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, अरेंज का कोड हो जाएगा एम एन, ठीक है। उसके बाद व्हाट मे बी द कोड फॉर इन कंट्री, इन कंट्री का कोड क्या हो जाएगा, इन कंट्री, अब इनका कोड तो मिल गया हम लोग को, इनका कोड क्या मिल गया, इनका कोड मिल गया कहीं पे लिखे, इनका कोड आई के हो जाएगा, तो आई के लिख देंगे। बट कंट्री का कोड कहीं नहीं मिला, कंट्री का कोड यहाँ पे यूएन का मतलब क्या है, यूएन अननोन कंट्री, तो कंट्री का कोड या तो डी हो सकता है या फिर एल एफ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा आई के साथ कुछ लिखा होगा, आई के आइदर ए और बी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइदर ए और बी हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि इन दोनों में हम लोग को डाउट है। और ए में क्या दिया हुआ है, ए में आपको दिया आई एफ है, एल एफ है, और बी में दिया हुआ है डी डी ई, तो आइदर ए और बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, बीबी कोड किसका है, तो बीबी कोड किसका है बता दीजिए, तो न्यू का कोड हो जाएगा बीबी। तो देख सकते हैं कि अगर एक बार 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग आप बना लेते हैं तो कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ है चलते हैं। तो 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, अब दूसरे टाइप में देखते हैं, दूसरे टाइप में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, टाइप 2 देखिएगा, टाइप 1 दोस्तों हमने देख लिया, अब कोडिंग डिकोडिंग टाइप 2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग टाइप 2 देखिए, पूछा गया आपसे कि एक डिजिट बनाया गया, एक सिंबल का बनाया गया है टेबल में, और ये जेड का कोड जैसे क्या लिखा हुआ है, एट द रेट लिखा है, एल का कोड है एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा हुआ है, एफ का डॉलर लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबका कोड आप देख लीजिए, उसके बाद कुछ कंडीशन दिया है उसको भी फॉलो करना है। क्या लिखा है कंडीशन, इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवल एंड द लास्ट लेटर इज डिविजिबल बाय 2, बोथ आर कोडेड एज प्लस है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट लेटर वॉवल होगा और लास्ट लेटर इवन नंबर होगा, डिविजिबल बाय 2 होगा, तो फर्स्ट और लास्ट को प्लस से डिनोट किया जाएगा। आगे देखिएगा, इफ फर्स्ट एज वेल एज लास्ट लेटर ऑड नंबर और देन बोथ आर कोडेड एज ए फर्स्ट डिजिट, मतलब पहला और अंतिम अक्षर ऑड होगा तो दोनों का कोड पहले डिजिट के कोड के अनुसार किया जाएगा। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट देन दी लास्ट लेटर इज ऑड नंबर देन दी कोड ऑफ दी कोड एंड फर्स्ट और लास्ट आर टू बी इंटरचेंज, मतलब इस कंडीशन में कोड को इंटरचेंज किया जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, हमारे पास स्पेस यहाँ पे है, देखिएगा क्वेश्चन 6 होगा ये, क्योंकि 5 क्वेश्चन वहां बनाए थे हम लोग। देखिएगा डब्ल्यू एक्स है, मैं यहाँ लिखता हूँ डब्ल्यू एक्स है, 6 है, जेड है, एफ है 1। पहला लेटर क्या है, पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, लास्ट लेटर क्या है ऑड नंबर है, ऐसा कोई कंडीशन लिखा हुआ है। फर्स्ट एज वेल एज लास्ट ऑड नहीं है, कॉन्सोनेंट लास्ट है, डिजिट ऑड नंबर, थर्ड कंडीशन पे ये गया। ठीक है ना, थर्ड कंडीशन पे गया, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि कोड को पहले और लास्ट के कोड को इंटरचेंज करेंगे। मतलब W का कोड क्या है, W का कोड देखिए, तो W का कोड और 1 का कोड, 1 का कोड मिल गया पावर, मतलब ये हो जाएगा W का कोड, और W का कोड क्या है, W का कोड देखिए तो ये इन्फिनिटी का साइन, तो ये ऑप्शन में कहीं दिया होगा, तो ऐसा कितना ऑप्शन है, ऐसा ए और सी 2 ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद एक्स का कोड, अब बाकी सब का कोड क्या करते हैं, ऐसे ही लिख देना जैसा लिखा हुआ है, तो एक्स का कोड हो जाएगा ये साइन है एक्स का कोड, 6 का कोड क्या दिया हुआ है, 6 का कोड देखिएगा यूरो का साइन है 6 का कोड, ऐसे करके यूरो का साइन, उसके बाद 6 के बाद देखिएगा जेड का साइन क्या दिया है, जेड का सिंबल दिया हुआ है, जेड का सिंबल दिया एट द रेट, तो यहां लिखिए एट द रेट, और फिर एफ का सिंबल लिखिएगा, एफ का कोड क्या लिखा हुआ है, एफ का कोड लिखा हुआ है डॉलर, एफ का कोड डॉलर, और फिर इन्फिनिटी। अब ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, क्या आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इस बार मैं क्वेश्चन को नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का कोड को लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के कोड को लिखते हैं, क्या लिखा है, एफ ई 1 एक्स आई लिखा है शायद, आई और 6 है। अब यहाँ देखिएगा पहला जो लेटर है वो क्या है, फर्स्ट एज वेल एज लास्ट ऑड वॉवेल, और पहला कंडीशन में वॉवेल होना चाहिए, तो पहला कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, दूसरा कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, तीसरा कंडीशन भी नहीं फॉलो किया, क्योंकि अंतिम में क्या है, अंतिम में क्या है यहाँ पे इवन नंबर, 6 क्या होता है इवन नंबर, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो कोड होगा वही लिख देंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ है, एफ है ई एक्स नहीं, एफ है ई 1 एक्स 6 है, ये इवन नंबर है इसलिए तीसरा कंडीशन फॉलो नहीं किया। अब जो कोड है वही लिख दीजिए, यहाँ पे देखिएगा एफ का कोड क्या है डॉलर, एफ का कोड क्या हो गया डॉलर, ई का कोड क्या हो गया, ई का कोड खोजिए यहाँ पे, ई का कोड है ये, 1 का कोड क्या हो जाएगा, 1 का कोड देखिए तो 1 का कोड है म्यू, 1 का कोड हो गया म्यू, एक्स का कोड क्या है, एक्स का कोड हो जाएगा, एक्स का कोड देखिए तो
ये। और उसके बाद है 6 का कोड कितना लिखा हुआ है, 6 का कोड यूरो लिखा हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 5L2IA1, 5L2IA1 फर्स्ट है ऑड नंबर, लास्ट है वॉवेल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। फर्स्ट ऑड नंबर, लास्ट है वॉवेल, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे, मतलब जो कोड है वही लिख देंगे। फाइव का कोड देखे तो फाइव का कोड है ये ट्रायंगल, ठीक है। फाइव का कोड हो गया ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग को एल का कोड लिखना है, तो एल का कोड है गया, हो गया एक्सक्लेमेटरी का साइन हो जाएगा। उसके बाद एल का कोड हो गया, टू का कोड क्या हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा, टू का कोड हो जाएगा, लेस देन का साइन हो जाएगा। आई का कोड देखिएगा, आई का कोड म्यू हो जाएगा, आई का कोड क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। उसके बाद आई का कोड म्यू हो जाएगा। ए का कोड देखिएगा, ए का कोड एंड का साइन हो जाएगा, ए का कोड। और आई का कोड फिर से क्या लिखा हुआ, आई का कोड म्यू। और जो मुझे लगता है पहला नहीं, वन का कोड अब हम लोग लिखना है। वन का कोड होगा ये, यहाँ वन लिखा हुआ है, यहाँ पे वन लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, फर्स्ट लेटर ऑड नंबर, लास्ट लेटर ऑड नंबर, ऐसा किस कंडीशन में लिखा हुआ है। तो दूसरे कंडीशन में देखिए सेम चीज लिखा हुआ है। अगर फर्स्ट और लास्ट ऑड होंगे तो क्या होगा कि कोडेड बाई फर्स्ट, मतलब जो पहले का कोड होगा वही लास्ट का कोड होगा। तो फाइव का कोड देखिए, फाइव का कोड ट्रायंगल है, तो फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो बच गया उसका कोड ऐसे ही लिखेंगे। तो एल का कोड क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का साइन लिखा हुआ है। टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड यहाँ लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से, टू का कोड है लेस देन का साइन लिखा हुआ है। आई का कोड क्या लिखा हुआ है, आई का कोड म्यू लिखा हुआ है, आई का कोड म्यू लिखा हुआ है। ए का कोड क्या लिखा हुआ है, ए का मतलब लिखा है एंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आप आंसर में देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बना लिया। अब हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं, 9 और 10 एक साथ है। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि E2ZA6 है, E2ZA6 है, ये पहला कंडीशन, पहला वॉवल, लास्ट इवन नंबर, यही बोला है ना, टू से डिविजिबल। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बोथ आर कोडेड प्लस है, मतलब पहले को भी क्या करेंगे प्लस दे देंगे और आखिरी को भी क्या करेंगे प्लस दे देंगे। टू जेड ए, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, देखिए तो टू का कोड हो जाएगा 1 2, लिस्ट इनका साइन है टू का कोड। जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, जेड का कोड एट द रेट लिखा हुआ है, जेड का कोड एट द रेट लिखा हुआ है। और ए का कोड क्या लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, ए का कोड एंड लिखा हुआ है। तो ये आंसर देख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10, I Z 2 W 2, I Z 2 W 2, मतलब फर्स्ट वॉवेल, लास्ट डिविजिबल बाय 2। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, पहला कंडीशन फॉलो करता है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे प्लस प्लस दे देंगे, मतलब दो बार प्लस ऐसे दे देंगे, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। उसके बाद यहाँ पे कोड लिखेंगे, बाकी जो बच गए उनका कोड ऐसे ही लिख देंगे। तो Z2W का कोड लिखना है, तो जेड का कोड क्या लिखा हुआ है, एट द रेट, जेड का कोड लिखा हुआ है एट द रेट। उसके बाद टू है ना, Z2W, टू का कोड क्या लिखा हुआ है, टू का कोड है लेस देन, टू का कोड है लेस देन। और W का कोड जल्दी से लिखे तो W का कोड है इन्फिनिटी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा प्लस एट द रेट, लेस देन इन्फिनिटी, फिर प्लस। तो दोस्तों हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे कोडिंग डिकोडिंग के, जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते थे, वो हमने खत्म कर दिया है। डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, यहाँ से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंक के प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, बहुत ही ईजी होता है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं।
और सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं, उससे पहले कुछ जान लेते हैं हम लोग, कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए, ये डायरेक्शन का ऐसे नॉलेज होना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो सबसे पहले एग्जाम में जाइएगा इसी चीज को आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट डी इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम थोड़ा नीचे से लिख सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट पी है हम लोग का, अब यहाँ नॉर्थ जाना है तो ये हो गया 10 मीटर नॉर्थ हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट क्या मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ का साइन दे दिया हमने, ये देखने में अच्छा लगेगा, नॉर्थ का साइन हमने दे दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा लाइन लिखा है y इज 14 मीटर ईस्ट ऑफ ए पॉइंट डी, y इज 14 मीटर ईस्ट। अब ईस्ट का एरो देखिएगा इस साइड जाना है, तो ईस्ट यहां तक चले जाइए, y यहां लिखिए और ये कितना है 14 मीटर, ठीक है ना, 14 मीटर यहां लिख दिया हमने। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिएगा पॉइंट q इज 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट y। अब यहां पे 8 मीटर ऊपर की ओर जाना है, 8 मीटर ऊपर की ओर जाना है और पॉइंट q मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये देखिएगा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, पॉइंट y हो गया, उसके बाद पॉइंट s इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट q। अब 20 मीटर जाना है तो 14 से आगे होगा 20 मीटर, मतलब मान लीजिए कि 20 मीटर ये हो गया और यहाँ पे आपको कौन सा पॉइंट मिलेगा, एस मिलेगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, एस मिलेगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है। अब देखिएगा, अब आपसे क्या पूछा गया आगे क्वेश्चन में, आगे बोला गया है क्वेश्चन में कि पॉइंट एच इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस है, तो ये 8 मीटर मतलब ये यहाँ पे जाके डी के पास कहीं पे जाके एच रुक जाएगा नीचे की ओर, ये 8 मीटर है। अब आपसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और डी, तो एच और डी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ से डॉटेड लाइन से अगर हम लोग मिला दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉटेड लाइन से मिलाया ना हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, यहाँ तक 14 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 है। तो यही आपसे पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना है एच और डी के बीच में, तो 6 मीटर हो जाएगा सही आंसर, कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो उसके बाद आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2C का देखिएगा, इन विच डायरेक्शन पी विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, क्यू के रिस्पेक्ट में पी किस डायरेक्शन में है, तो ऐसे है देखिएगा, ऐसे है, तो क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में दिया है साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी, क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है, ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है, तो वो भी ध्यान देके आपको आंसर देना है। फोर ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से चार एक जैसे है, कौन सा अलग है, तो देखिएगा सी बी को देखिएगा, सी बी कहाँ पे है, सी बी देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना ये दोस्तों, ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन आ गया, मतलब ये टाइप चेंज हो गया, इस पे केवल दो ही क्वेश्चन दिए हुए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज करते हैं तब जाके आगे बनाते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, देखिएगा हम इसको हटाते हैं, जो पहले दो क्वेश्चन थे उसको हमने बना लिया, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। या क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखिए, यहाँ पे दूसरा टाइप है और क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा ना, दूसरा टाइप तीसरा क्वेश्चन, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ से दिख रहा होगा पॉइंट सी, मान लीजिए पॉइंट सी यहाँ पे है, वेस्ट जाना है तो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं ना, यहाँ बना सकते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। अब हम लोग को क्या देखना है, पॉइंट सी इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ए, तो यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट ए होगा और एरो का मार्क यहाँ हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा 12 मीटर, तो ये चीज हमने किया। उसके बाद देखिएगा पॉइंट बी इज 18 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, मतलब यहाँ से कुछ लंबाई पे जाइए 18 मीटर दे दीजिए और यहाँ पे कहीं जाके आपको बी मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे बी मिल जाएगा। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, तो डी पॉइंट नहीं है तो उसको हटा दीजिए अभी। पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, ये भी शायद नहीं है ई पॉइंट, इसको भी हटाइए। उसके बाद पॉइंट डी इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, अब 28 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी मतलब ईस्ट यहाँ पे जाता है 28 मीटर तक, कुछ दूरी तक जाएगा
और यहाँ पे 28 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग को देखना है कि हम लोग को कौन सा पॉइंट नया मिला, डी मिला। अब डी ऊपर था, देखिएगा एक लाइन लिखा हुआ है पॉइंट ई इज 9 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, मतलब 9 मीटर इसका आधा, मतलब यहाँ पे जाके पॉइंट ई रुक जाएगा, यहाँ पे जाके पॉइंट ई रुक जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ई है 9 मीटर साउथ में, डी के साउथ में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया, उसके बाद पॉइंट एफ इज 14 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब ई के वेस्ट जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएगा 14 मीटर, मतलब इसका 28 का आधा कौन पॉइंट है, पॉइंट एफ 14 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद और कुछ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखा हुआ है कि पॉइंट एफ इज 13 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट जी। अब ये 9 हो गया और यहाँ से ऊपर जाएगा ऐसे करके तो यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को नहीं दिख रहा है, थोड़ा नीचे कर देते, यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे कहीं जी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फिगर बना लिया हमने। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा, फोर ऑफ दी फॉलोइंग मतलब एक जैसे है, कौन सा अलग है। तो सी और बी को देखिए, सी और बी ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सी और बी हो गया, उसके बाद देखिएगा ए और डी, ए और डी कैसे जा रहा है, ए और डी भी ऐसे ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा ए और ई, ए और ई कैसे जा रहा है, ए और ई भी इसी तरह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ए और ई हो गया, उसके बाद देखिएगा बी और जी, 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 बी और जी भी ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ एफ और बी देखिए, एफ और बी, एफ और बी, एफ और बी ऐसे जा रहा है, तो ये एफ और बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ऑड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर वन हमने बनाया, आगे देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर टू देखिएगा, इन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, ए के रिस्पेक्ट में जी कौन से डायरेक्शन में है, ए के रिस्पेक्ट में जी, तो ये ऐसे जा रहा है ना, ए के रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ए के रिस्पेक्ट, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, अच्छा ए विथ रिस्पेक्ट टू जी पूछा गया है, यहाँ ऐसे हम लोग जाना है, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, ये होता है साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा आप। आगे कोई और क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेते हैं, आगे और भी क्वेश्चन दिया हुआ तो होगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच और डी, तो ये क्वेश्चन आप हम लोग का खत्म हो गया। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन थे, तो दो अलग अलग टाइप के हमने आपको डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन बता दिए, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये टॉपिक इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, आसानी से बनते हैं, ठीक है ना। बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट के बारे में, यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक बैंकिंग प्रीलिम्स के एग्जाम में, आसान क्वेश्चन होते हैं, पजल में एक पजल में इसको भी डाला जा सकता है, पजल जैसा ही ये भी होता है, बट ये टॉपिक अलग है, ठीक है। तो इसे भी आप लोग अच्छे से देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अभी शो कर रहा होगा, देखिएगा पहले तो क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने साइड में रखा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। 5 पर्सन ए बी सी डी ई एफ है, ए बी सी डी ई हैव डिफरेंट हाइट, अलग अलग हाइट के हैं, ठीक है। लेस देन 2 पर्सन आर शॉर्टर देन डी, तो लेस देन 2 पर्सन, तो यहाँ कहने का क्या मतलब है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, यहाँ कहने का क्या मतलब है कि लेस देन 2 पर्सन, मान लीजिए 5 आदमी को बना लीजिए, ऐसे हाइट के अनुसार 5 आदमी को अरेंज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे 5 आदमी को क्या कीजिए, अरेंज कर लीजिए, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हमने अरेंज कर लिया 5 आदमी को। अब यहाँ पे या तो डी यहाँ पे होगा, और नहीं तो डी क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे अंतिम में होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो डी या तो इस पोजीशन पे होगा, नहीं तो इस पोजीशन पे होगा, क्यों, क्योंकि डी के बाद 2 से कम आदमी बैठेंगे, या तो 1 आदमी बैठेगा नहीं तो कोई आदमी नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि एज मेनी पर्सन आर टॉलर देन डी आर शॉर्टर देन सी, तो अगर डी से टॉलर 3 आदमी है तो सी से शॉर्टर क्या होंगे, 3 आदमी होंगे, सी यहाँ पे बैठेगा, तब डी से टॉलर कोई नहीं है तो सी से भी टॉलर कोई नहीं होगा, सी सबसे लंबा होगा, ठीक है। तो ये भी लाइन को हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, तो यहाँ पे लिखिए ए इज टॉलर देन बी, मतलब ए इज टॉलर देन बी
और शॉर्टर देन, ये लिखा है ना, ए इज टॉलर देन, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन ई, यहां तक हो गया। बी इज नॉट शॉर्टेस्ट पर्सन, मतलब बी यहां पे नहीं हो सकता है, बी इस जगह पे नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो तीन ही आदमी को बैठाना है, तो यहां पे बैठा दीजिए ई ए बी, और यहां पे बैठाएंगे शॉर्टेस्ट, नहीं तो यहां पे नहीं होना चाहिए था। अगर यहां पे बैठाएंगे तो एक जगह ये खाली है, ई यहां पे खाली है और बी यहां पे होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, और ये वाला क्या है ना, ये वाला सही है। तो देख सकते हैं कि रैंकिंग टेस्ट हमने बना लिया पहला क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पे पूछा गया है कि इफ, आगे क्या दिया, दी हाइट ऑफ द थर्ड पर्सन इज 86, अब तीसरे आदमी का जो हाइट है ना वो 86 दिया हुआ है, यहां पे 86 लिख दिया हमने तीसरे आदमी का हाइट। तो पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन, इफ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन इज 68, अगर शॉर्टेस्ट पर्सन का जो हाइट है वो 68 है, शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, डी 68 है, तो देन व्हाट मे बी द हाइट ऑफ बी, तो बी का हाइट क्या होगा, तो 68 और 86 के बीच में जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 68 और 86 के बीच में, ठीक है, तो ऑल अबव हो जाएगा हाइट, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि तीनों ऑप्शन यहां पुट हो सकते हैं 86 से लेके 68 के बीच में। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कितने आसानी से हमने बनाया, और क्वेश्चन आसान है दोस्तों। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन इसी का, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर वन का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन का अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन सी, सी से लंबे कितने आदमी है, तो सी से लंबे एक भी आदमी नहीं है क्योंकि सी सबसे लंबा है, तो डन हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट शॉर्टर देन ई, ई से तुरंत बाद, जस्ट बाद है, शॉर्टर कौन है, तो ए, देखिए ऑप्शन नंबर सी में ए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो तीन ही क्वेश्चन आते हैं इस पे, ठीक है। अगला अब सेट आ गया, वेट वाला सेट आ गया, तो देखिएगा। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा गया कि 6 आदमी का अलग अलग वेट दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी सी डी ई एफ, कोई भी दो आदमी का वेट समान नहीं है, ओनली 2 पर्सन हैव लाइटर देन ए। तो पहले हम क्या करते हैं, हाइट के अनुसार 6 आदमी को अरेंज कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे करके हमने 6 आदमी को अरेंज कर लिया, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब यहाँ बोला गया है कि ओनली 2 पर्सन लाइटर देन ए, मतलब ए यहाँ पे होगा, केवल 2 ही आदमी ए से क्या है, हल्का है, ठीक है, तो 2 आदमी। तो उसके बाद लिखा हुआ बी इज हैवियर देन ए, तो यहाँ पे बी इज हैवियर देन ए, बी इज हैवियर देन ए, बी इज हैवियर देन ए, ऐसे लिख लिए, और बट सी, बट लाइटर देन सी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है ना, बट लाइटर देन सी एंड डी, जो बी है ना वो सी और डी दोनों से हल्का है, जो बी है सी से भी हल्का है और डी से भी हल्का है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा, डी और सी में से नहीं पता है कि कौन ज्यादा भारी है अभी तक हम लोग को, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ लिखे, यहाँ पे बनाते हैं, दिख रहा है, एफ इज हैवियर देन ई बट लाइटर देन डी, तो ये बन गया एक और इक्वेशन। अब सबको मिलाइए, सबको मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, सबको मिलाना है हम लोग को, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए कि सी बी डी, ऐसे लिख लिया हमने, हमने लिखा सी बी डी, उसके बाद बी ए से भारी है तो ये भी यूज किया, ये भी यूज किया, अब डी के बाद ई एफ आएगा और ई आएगा, यहाँ पे एफ हो जाएगा और यहाँ पे ई होगा, तो ये 6 आदमी को हमने क्या किया, अरेंज किया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कुछ पूछे गया, तो देखिएगा हाउ मेनी पर्सन आर हैवियर देन एफ, कितने आदमी एफ से भारी है, तो एफ से भारी कितने आदमी है, एफ से भारी कितने आदमी है, तो एफ से भारी केवल 4 आदमी है, तो एफ से भारी 4 आदमी है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। उसके बाद पूछा गया है कि इफ इफ सम ऑफ द वेट ऑफ ई और ए, ई और ए, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आगे लिखा नहीं, केवल अरेंज करके छोड़ दिया। क्वेश्चन में देखिएगा नीचे 2 लाइन लिखा हुआ है, द वेट ऑफ द सेकंड हैवीएस्ट पर्सन इज 115, सेकंड हैवीएस्ट पर्सन मतलब इसका वेट है 115, दूसरे का, दूसरे पर्सन का वेट कितना है 115, बी का वेट दिया हुआ है 115, एंड द वेट ऑफ द लाइटेस्ट पर्सन इज 56 kg, मतलब ई का वेट दिया हुआ है 56 kg, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ द वेट ऑफ ई और ए मतलब 56 प्लस में ए इक्वल टू में कितना दिया हुआ है, इक्वल टू में 131
131, तो 131 में से 56 को घटाइएगा तो ए का निकलेगा, ए का वेट कितना हो जाएगा 56 घटा दीजिए तो यहाँ 75 निकलना चाहिए, 75 केजी का ए होगा। तो देखिएगा 75 केजी का ए निकल गया। उसके बाद एड द सम ऑफ वेट ऑफ बी और डी इज 213, बी और डी को ऐड करेंगे तो 213 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बी प्लस में डी इक्वल टू में 213। अब हम लोग को बी का वेट दिया हुआ है, बी का वेट 115 है तो 115 घटा दीजिए 213 में से तो कितना आ जाएगा, 15 घटाइएगा तो 213 में से ये आ जाएगा 98 केजी आ जाएगा, 98 केजी आ जाएगा। तो 98 केजी किसका हो जाएगा, डी का वेट हो जाएगा, डी का वेट कितना हो जाएगा 98 केजी हो जाएगा। अब पूछा ए और बी का वेट कितना हो जाएगा, अब हम लोग से क्या पूछा वेट ऑफ ए एंड बी, वेट ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का तो डायरेक्ट निकलेगा 75 और बी का कितना दिया हुआ है, बी का तो पहले से दिया हुआ था, बी का 115 दिया हुआ था। या दोस्तों ए और डी का होगा, ए और डी का होगा, ठीक है ना। तो ए और डी का वेट कितना हो जाएगा, ए और डी का वेट हो जाएगा 75 और ये 98 प्लस में 75 मतलब 173 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 173। देखिएगा ऑप्शन में दिया हुआ ना 173, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार आप बना लेते हैं तो काफी आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों रैंकिंग टेस्ट में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे सभी को हमने इस वीडियो में देख लिया, इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे। रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ब्लड रिलेशन को देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसके क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन को। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी मेल के बारे में बोला जाए तो मेल के लिए प्लस का साइन यूज करते हैं, फीमेल के लिए माइनस का साइन यूज करते हैं। मान लीजिए शादीशुदा है हस्बैंड और वाइफ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा साइन यूज करेंगे। चाइल्ड होगा, इसका कोई बच्चा होगा, मान लीजिए बी और सी इसका बच्चा है तो क्या हो जाएगा कि चाइल्ड के लिए हम लोग ट्री बनाएंगे, ये होता है फैमिली ट्री होता है, ठीक है। बी का बच्चा कौन है, डी हो जाएगा, ठीक है, मेल फीमेल पता चल गया। दादा दादा नानी दादा दादी ये सब आप लोगों को पता होगा, ठीक है, कैसे बनेगा। तो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, जैसे मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन मतलब क्या हो गया, हाँ फर्स्ट जनरेशन मतलब मान लीजिए एक फैमिली ट्री बनाते हैं, पहले हो गया ग्रैंडफादर हो गया, ग्रैंडफादर का बेटा हो जाएगा मतलब फादर हो जाएगा, फादर का बेटा मतलब उसका सन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये थर्ड जनरेशन, उल्टा चलेगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिएगा। ऑल द गिवन मेंबर बिलोंग टू सेम फैमिली, सभी जो मेंबर है ना यहाँ पे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। जे इज द ब्रदर ऑफ एल, तो सबसे पहले बनाइएगा जे इज द ब्रदर ऑफ एल, ठीक है, हम लोग यहां से बनाते हैं। जे जो है एल का भाई है, जे किसका भाई है, एल का भाई है, तो जे भाई है ना, तो जे के लिए क्या कीजिए प्लस का साइन कीजिए यूज, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि जे इज द ब्रदर ऑफ एल हो जाएगा और जे इज ओनली सन ऑफ आर, जे जो हो जाएगा ओनली सन ऑफ आर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है, मतलब ये बहन हो जाएगी, एल क्या हो जाएगी बहन हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है कि डब्ल्यू इज द फादर इन लॉ ऑफ एल, एल का फादर इन लॉ कौन है, डब्ल्यू है, एल का फादर इन लॉ कौन है, डब्ल्यू, मतलब एल का किसी से शादी हुआ होगा, अभी हम लोग को नहीं पता किससे शादी हुआ बट किसी से तो शादी हुआ होगा, और डब्ल्यू क्या है फादर इन लॉ है, मतलब ये क्या है मेल है। आगे देखिएगा डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी, डी क्या है ना मैटरनल ग्रैंड फादर, मतलब डी नाना है पी का, डी नाना है पी का और पी मेल है, तो इस लाइन को अभी यूज नहीं करते हैं, ठीक है, डी नाना है पी का और पी क्या है मेल है। क्यू इज द ओनली सन ऑफ डब्ल्यू, क्यू जो है ना डब्ल्यू का केवल एक ही बच्चा है, तो क्यू एक ही बच्चा है, सन है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो एल का जो हस्बैंड है वो हम लोग को मिल गया, ठीक है, यहां तक हमने बना लिया। आगे देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन एंड डब्ल्यू इज द ग्रैंड फादर ऑफ एन हो जाएगा, डब्ल्यू किसका ग्रैंड फादर हो जाएगा एन का, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है ना, एन का ग्रैंड फादर कौन है डब्ल्यू, यहां तक हमने किया।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड सी इज द डॉटर ऑफ एन, सी जो है ना एन की बेटी है, सी जो किसकी बेटी है, एन की बेटी है, तो ये फीमेल है, तो ये हम लोग को पता चल गया। एन के बारे में अभी कुछ नहीं पता है दोस्तों। अब देखिएगा एक लाइन बच गया था यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ था डी इज द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ पी, मतलब डी जो है नाना है पी का, डी जो है वो नाना है पी का, तो डी का शादी किसी के साथ तो हुआ होगा, तो डी का शादी ये आर के साथ हुआ, मान लीजिए डी का शादी आर के साथ हो गया, तो ये नाना है तो ये मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगी, और ये बच्चा किसका होगा, एल का ही होगा, मतलब इन दोनों का ही शादी हुआ है तो इनके ही बच्चे होंगे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा पी, और पी क्या है मेल दिया हुआ है, तो देख सकते हैं कि डी नाना हो गया पी का, तो ये क्वेश्चन हमने बना लिया, फिगर हमने बना लिया। अब जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ एल इज रिलेटेड टू सी, एल और सी का रिलेशन कैसे है, तो एल देखिएगा एल कहाँ पे है, एल कहाँ पे है, देखिएगा एल यहाँ पे है, एल फीमेल है, और सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो एल और सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, एल और सी का रिलेशन आप लोग देख के बताइए कि एल और सी का रिलेशन क्या हो जाएगा, ठीक है, एल का सी के साथ रिलेशन मतलब इसके बच्चे का बच्चा, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि वो एल जो है वो मेरे हिसाब से नानी होनी चाहिए, ग्रैंड मैटरनल ग्रैंड मदर होनी चाहिए एल सी के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर पहले का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिएगा हाउ पी रिलेटेड टू एन, पी का संबंध एन के साथ कैसे है, अब पी कहाँ पे, पी यहाँ पे, एन कहाँ पे, यहाँ पे, तो पी और एन आपस में क्या हो जाएंगे भाई हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई हो जाएगा, मतलब पी जो है एन का भाई है, यही पूछा है ना कि पी रिलेटेड टू एन मतलब ब्रदर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, पहले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पे नानी का ऑप्शन दिया नहीं है, मैटरनल ग्रैंड मदर का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग का दोनों क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं, पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए थे, अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है एक नंबर का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा एक्स मदर इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड फादर, जेड इज द ब्रदर ऑफ वाई, सबसे पहले लिखिए जेड जो है ना वाई का भाई है, जेड इज द ब्रदर ऑफ ए वाई, ठीक है, जेड हम लोग को पता चल गया कि मेल होगा, जेड इज द ब्रदर ऑफ ए वाई, उसके बाद देखिएगा क्या लिखा वाई, जबकि एक्स इज द फादर ऑफ एम, जबकि एक्स क्या है एम का फादर है, तो यहाँ पे दूर पे कहीं लिख लीजिए कि एक्स जो है ना एम का फादर है, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखिएगा पहला लाइन क्या लिखा हुआ है, एक्स की जो माँ है, अब एक्स की माँ कौन हो जाएगी, एक्स की माँ मान लीजिए कोई भी है, माइनस हो गया, एक्स की माँ कोई भी है तो माइनस हो गया, एक्स की जो माँ है इज द मदर इन लॉ ऑफ जेड फादर, एक्स की माँ जेड के पिता की मदर इन लॉ है, मतलब इसकी कोई बहन होगी, मतलब इस एक्स की बहन होगी और उसका शादी किसी के साथ हुआ होगा, किसी आदमी के किसी के साथ हुआ होगा, और जेड फादर मतलब जेड का फादर ये हो गया, ये जिस आदमी से शादी हुआ, ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट कंप्लीट होता है कि एक्स की माँ मदर इन लॉ होगी जेड के फादर की, मदर इन लॉ होगी जेड के फादर की, अब ये तो पता है कि मेल है, जब ये मेल होगा तो इसकी बहन का शादी किसी से हुआ होगा, तभी तो ये जेड का फादर प्लस है और उसकी सास ये है माइनस, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान से देखिए, फिगर मैंने सही बना दिया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ एक्स रिलेटेड टू जेड, मतलब एक्स और जेड का रिलेशन निकालना है, तो एक्स कहाँ पे, एक्स एक्स यहाँ पे, एक्स कहाँ पे, यहाँ पे, अब जेड के साथ क्या रिलेशन है, तो एक्स का जेड के साथ क्या रिलेशन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैटरनल अंकल हो जाएगा, ठीक है ना, मैटरनल अंकल मतलब मामा हो जाएगा, एक्स किसका जेड का मामा है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए मामा दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू भी बना दिया, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा होगा, तो इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या पूछा है आपसे, देखिए इफ इफ
ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, ए बी का भाई है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ऐसे लिखा हमने, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, मतलब प्लस हो गया। उसके बाद देखिए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी हो जाएगा, सी इज सिस्टर ऑफ ए, सी जो है ना ए की सिस्टर है, सी जो है ना ए की सिस्टर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी जो है वो ए की बहन है, ऐसा हमने लिख दिया, सी ए की बहन है। उसके बाद डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी जो है वो ई का भाई है, तो अब इसको रहने दीजिए। उसके बाद ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई जो है बी की बेटी है, ई जो है ना वो बी की बेटी है, तो यहाँ तक हमने किया। उसके बाद देखिएगा एफ इज द फादर ऑफ सी, एफ जो है ना इन तीनों का फादर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है, तो एफ इज द फादर ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कुछ छूटा हम लोग का, एक लाइन छूट गया, कौन सा लाइन, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, मतलब डी जो है ना वो ई का भाई है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन हु इज द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल कौन हो जाएगा, एक का पता है, बी का हम लोग को नहीं पता है कि मेल या फीमेल है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए जो है ना डी का अंकल होगा, ई का भी अंकल होगा। तो देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर चार को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ए से टू बी डैट बी मदर्स, बी की माँ, तो यहाँ पे बी की माँ यहाँ पे है, बी की माँ, ठीक है, बी की माँ, बी मदर वॉज द मदर इन लॉ ऑफ ए मदर, मतलब इसका शादी हुआ होगा ए की माँ से, ए की माँ से इसका शादी हुआ होगा, तो ये बी क्या है, प्लस में है, और ए की माँ का मतलब ए की माँ का बी की माँ सास है, ठीक है, तो ये चीज हमने बना लिया। अब देखिएगा पूछा गया कि हाउ ए मदर वॉज रिलेटेड टू बी मदर, ए की माँ बी की माँ से कैसे संबंधित है, ए की माँ बी की माँ से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा, ये जब ये सास है तो ये बहू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं कि क्वेश्चन दोस्तों बहुत घुमा के दिया गया है, बट एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हमने बना लिया। तो जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे ब्लड रिलेशन में, वो सभी हमने इस वीडियो में देख लिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, प्रीलिम्स के एग्जाम में, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये वीडियो काफी है, इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा। वीडियो में हम रीजनिंग के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे एक ही वीडियो में, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जहां से आपसे या तो 5 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर 15 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 10 नंबर तक दिया जा सकता है आपके भी। दोस्तों इस टॉपिक को जानने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, देखिएगा जब भी क्वेश्चन में राइट और राइट लिखा होगा या फिर लेफ्ट लेफ्ट लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन में अगर राइट लेफ्ट राइट लिखा होगा तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए आपको एक सीरीज दिया होगा, उस पर आधारित 5 प्रश्न दिए होंगे, 5 क्वेश्चन दिए होंगे, उनको आप बनाना है, आपको बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिएगा पहला क्वेश्चन में एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, मैं 3 चीज बताऊंगा, एक अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज, ठीक है ना, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज। अब इसमें क्या हो जाएगा, कुछ अल्फाबेट आपको दिख रहे होंगे, कुछ नंबर दिख रहे होंगे और कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, इन पे आधारित 5 प्रश्न है, 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब आपको क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में, कि ऐसे कितने लेटर है, कितने लेटर है जिसके बाद नंबर आते हैं, ऐसे कितने लेटर है जिसके बाद नंबर आते हैं। तो आप सीरीज में देखिए, M के बाद 7 आता है, ध्यान से देखिए, M के बाद 7 मतलब M क्या हो गया, M में लेटर हो गया, और N क्या, 7 क्या हो गया, नंबर हो गया, तो लेटर फिर नंबर। उसके बाद अगर आप देखिएगा Y3 क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा आपका लेटर हो जाएगा फिर नंबर हो जाएगा, Y3 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, H5 हो जाएगा, ठीक है ना, H5 देखिए, H5 लास्ट में लिखा हुआ है, तो H5, तो ऐसे कितने मिल गए आपको, ऐसे 3 मिल गए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए में आपका सही दिया हुआ है, ठीक है ना, 3 दिया हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, पहले खोजना है फिर काउंट करके आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए,
अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर टू में, यहां पे मैं नीचे लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय ए नंबर। तो आपको सिंबल्स निकालना है जो प्रेसीडेड बाय ए नंबर है, मतलब है ऐसे ऐसे नंबर, पहले नंबर आना चाहिए फिर सिंबल्स आना चाहिए। तो ऐसा पेयर आप खोजिए और काउंट करके लिख दीजिए। तो मैं यहां नीचे लिखता हूं, सबसे पहले देखेंगे सेवन, सेवन सेवन के बाद क्या लिखा हुआ है, ये वाला साइन समेशन का साइन दिया हुआ है, ठीक है सेवन समेशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिएगा टू इक्वल टू, देखिएगा टू के बाद इक्वल टू का साइन दिया है, तो इक्वल टू भी एक सिंबल होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नाइन नाइन नाइन, नाइन के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉपीराइट, नाइन कॉपीराइट ऐसे लिखा हुआ है, नाइन कॉपीराइट, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब तीन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। तो ऐसे सीरीज कितने हो जाएंगे, तीन थ्री, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है देखिएगा अगला क्वेश्चन हम चेंज करते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आ चुका है देखिएगा, इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट। पहले इन दोनों क्वेश्चन को हम हटाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं, ठीक है इसी का क्वेश्चन नंबर तीन को देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ए 17 एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। मतलब दोनों लेफ्ट निकालना है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है, मतलब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है और 13 फ्रॉम लेफ्ट है, ऐसे लिखा हुआ है कि 17 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 17 फ्रॉम लेफ्ट है ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको जब घटाएंगे तो 13 फ्रॉम लेफ्ट आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। मैंने शुरुआत में बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट क्या होता है, माइनस होता है। मैं एक बार फिर यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट क्या होता है, माइनस होता है। राइट लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है, ये आप लोग को पता चल गया। अब यहाँ लेफ्ट और लेफ्ट था तो हमने घटा दिया, अब 13 फ्रॉम लेफ्ट निकालना है, कब, इफ ऑल द सिंबल आर डिलीटेड फ्रॉम दी अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट दिया है ना उसमें से सिंबल को हटा दीजिए और उसके बाद काउंट कीजिए 13 फ्रॉम द लेफ्ट। तो 13 फ्रॉम द लेफ्ट क्या आ जाएगा, ई, ठीक है आप काउंट करके देखिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा, ई, और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से हम लोग बना पा रहे हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दोस्तों देखने को मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर 78 का संबंध है पी क्वेश्चन मार्क 6 के साथ है, क्वेश्चन मार्क एन का संबंध है टी 32 के साथ है, तो आपको निकालना है कि 2e का संबंध किसके साथ है। तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में, देखिए 78 देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 78 देखिए 7 यहाँ पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा इस सीरीज को मैं लिखता हूँ 7 समेशन 8 है, ऐसे मैंने लिखा। उसके बाद 78 का संबंध है P, 8 के बाद L लिखा हुआ है, 8 के बाद L लिखा हुआ है, L के बाद P लिखा हुआ है, ठीक है P के बाद एट द रेट लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और उसके बाद 6 लिखा हुआ है। तो देखिए ये और ये, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर ये 7 और 8, इनको इनको मतलब इसके बीच में एक गैप होना चाहिए, फिर एक अक्षर का गैप होगा, फिर P क्वेश्चन मार्क 6 लिखेंगे, ठीक है। तो 78 के बाद एक गैप होगा और 7 और 8 में भी एक गैप है, तो इसी पैटर्न में आपको लिखना है। तो हम लोगों को निकालना है 2e का संबंध किसके साथ है, तो सीरीज में आप देखिएगा तो 2e का संबंध किसके साथ होगा, तो e के बाद एक गैप होगा तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद एक गैप होगा, 4 हो जाएगा, 4 के बाद एक गैप के बाद कॉपीराइट लिखा हुआ है, कॉपीराइट के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, कॉपीराइट के बाद क्या लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं कि 4 कॉपीराइट जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 कॉपीराइट जी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, इफ ऑल द नंबर आर डिलीटेड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट, मतलब नंबर को डिलीट कर दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ टू द राइट 13 फ्रॉम द राइट, दोनों राइट है मतलब घटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखिएगा,
क्वेश्चन मैंने बोल दिया क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ टू द राइट है, थर्टीन फ्रॉम द राइट, फिफ्थ टू द राइट है, थर्टीन फ्रॉम द राइट है, नंबर को डिलीट करेंगे, आठ फ्रॉम द राइट है, नंबर को डिलीट करके क्या करना है, काउंट करके लिख देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा टी। अब काउंट करके लिखिएगा राइट से, राइट साइड ये हो गया, ये आपका राइट साइड हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है ना, तो ये आप लोग जानते होंगे, तो एट फ्रॉम द राइट काउंट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, नंबर को डिलीट करके, नंबर को काउंट नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो ये पांच क्वेश्चन हो गया मेरे ख्याल से, आगे देखिएगा, आगे हम चेंज करते हैं टाइप को, अब क्वेश्चन को भी चेंज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को भी हम लोग चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये आ गया नंबर सीरीज, इससे पहले था अल्फा न्यूमेरिकल सिंबॉलिक सीरीज था, अब क्वेश्चन नंबर छह से होगा नंबर सीरीज, तो आपको ध्यान देना है और ध्यान से बनाना भी है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 684 51512 437 385 296, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर छह में क्या लिखा हुआ है कि इफ टू इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ इच नंबर, नंबर से हाउ मेनी नंबर से दस फॉर्म विल बी डिविजिबल बाई थ्री, ऐसे कितने नंबर जो होंगे वो तीन से डिविजिबल होंगे अगर टू एड करते हैं पहले डिजिट में, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सभी तीन से डिविजिबल कब होगा, जब संख्याओं का योगफल तीन से डिविजिबल हो, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे 6 + 8 + 4 ऐसे ऐड करके देखिए सभी अंक को, तो ये हो जाएगा 14 4 18 हो जाएगा, 18 में 2 ऐड कीजिएगा 20, अब ये जो 20 होता है ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो पहला 684 नहीं होगा। इसी तरह 512 को चेक कीजिए, तो 5 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, 8 है, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं बनेगा यहाँ से। उसके बाद अगर हम लोग चेक करेंगे 437 को, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा, तो ये भी काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। यहाँ 10 होगा, 2 ऐड करना है ना हम लोग को, तो यहाँ 10 होगा, उससे काम नहीं बनेगा। फिर 385 को ऐड कीजिए, तो 8 3 11 5 16, 8 3 11 5 16 + 2 18, मतलब 385 जो है ना वो सही है, 385 जो है ना वो सही है। इसमें अगर पहले संख्या में 2 ऐड कीजिएगा तो ये कुल मिला के 18 आ जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। 296 देखिए, 11 2 9 11 6 17 2 19, तो ये नहीं होगा, केवल 385 आपका सही आंसर होगा। अगर इसके पहले अंक में 2 ऐड करते हैं, मतलब 3 में 2 ऐड करेंगे, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी आसान है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, इफ ऑल दी डिजिट इन इच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबको अरेंज करना है, विद इन दी नंबर, नंबर के साथ, विच ऑफ दी फॉलोइंग विल बी दी हाईएस्ट नंबर इन दी न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। तो देखिएगा नंबर के साथ इनको क्या करना है हम लोग को, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 686 को हम लोग करेंगे, 600 कितना लिखा है, 684 लिखा हुआ है, इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज होके, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब जो घटते क्रम में लिखना है, सबसे ज्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम, ऐसे लिखना है। तो अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर लेके आते हैं, कैसे लेके आएंगे, यहाँ पहला अंक केवल लिखिए 8, उसके बाद दूसरे नंबर को 512 को चेंज करेंगे तो पहला अंक उसका कितना आ जाएगा, 5, सबसे लार्जेस्ट लिखिए कि उसमें कौन सा सबसे ज्यादा है, 437 में सबसे ज्यादा है 7, और उसके बाद 385 में सबसे ज्यादा है 8, देखिए 8 2 2 12 गया, उसके बाद 296 में सबसे ज्यादा है 9, तो हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 296 से बनेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 296 ऑप्शन में खोजिएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है हाईएस्ट नंबर, तो हाईएस्ट नंबर किससे बनेगा, 296 से बनेगा, क्योंकि इसके पास 9 है, अगर आप बनाइएगा हाईएस्ट नंबर तो 962 बन जाएगा, जो कि सबसे ज्यादा होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, केवल एक एक देख के बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, चाहे तो इतना भी लिखेंगे इसमें टाइम आपको लगेगा नहीं, मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया हम लोग, अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट
नंबर इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लोएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब देखिएगा सेकेंड लोएस्ट नंबर कौन सा है, सेकेंड लोएस्ट नंबर हो जाएगा 385। इसका दूसरा अंक लेने के लिए बोला गया, तो इसका दूसरा अंक क्या हो जाएगा 8। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। उसके बाद बोला गया कि उसके बाद क्या बोला गया है, डिवाइडेड बाय द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर क्या है 684। इसका तीसरा अंक क्या है 4। इन दोनों को भागा कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से 2 बार में कटेगा, मतलब आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। इफ 1 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट एंड 2 इज एडेड टू द लास्ट डिजिट ऑफ इच नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकेंड हाईएस्ट। आपको बताना है कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, जो हाईएस्ट है केवल उसी को देखिए, कौन सा हाईएस्ट है कौन सा सेकेंड हाईएस्ट है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा है 684, सबसे ज्यादा है 684, और सभी के साथ एक ही ऑपरेशन करना है, तो जो हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ही रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट आपको बताना है। तो सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हो गया 512, सेकेंड हाईएस्ट कौन सा हो गया 512। तो आपसे यही पूछा गया ना कि सेकेंड हाईएस्ट कौन सा होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मतलब 512 ही क्या होगा सेकेंड हाईएस्ट है। जो सेकेंड हाईएस्ट है वही सेकेंड हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि सबके साथ एक ही ऑपरेशन हम लोग को करना है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बनाया, क्वेश्चन नंबर 9 को बनाते हैं। इफ इच नंबर द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट आर इंटरचेंज, पहला और दूसरा अंक को रिप्लेस किया जाता है, इंटरचेंज किया जाता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज हाईएस्ट। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। मान लीजिए कि 684 है, तो इसमें कहा जा रहा है ना कि 8 के जगह पे 6 आ जाएगा, 6 के जगह पे 8, मतलब ये नंबर जो चेंज हो जाएगा, तो ये नंबर चेंज होके क्या बन जाएगा 864 बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को बाकी अंक से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या निकालना, हाईएस्ट निकालना है, तो हम लोग को केवल पहले अंक से मतलब है। तो यहाँ पे पहला अंक क्या हो जाएगा, रिप्लेस होके 8 हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, चौथे में क्या हो जाएगा यहाँ भी 8 हो जाएगा, और पांचवें में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, पांचवें में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, मतलब 9 कहाँ से आया 296 से आया, 9 कहाँ से आया 296, मतलब कौन सा हाईएस्ट हो जाएगा 296 से आपको हाईएस्ट अंक मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने बना लिया, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों हम लोग अगले टाइप को देखते हैं, ये वाला जो टाइप पे जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने खत्म कर लिया, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन खत्म किया होगा, गलती से हमने 9 तक लिखा हुआ है, कहीं पे नंबरिंग गलत हुआ होगा क्वेश्चन नंबर का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं और देखिएगा ये अभी नंबर सीरीज था, एक और नंबर सीरीज आ गया, एक और टाइप का, ऐसा भी सीरीज आपसे पूछा जा सकता है। इसके नीचे इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिएगा ये सीरीज ध्यान से देख लीजिएगा। इस पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑड नंबर आर देयर इन द न्यूमेरिक सीरीज, कितने ऑड नंबर है इस न्यूमेरिक सीरीज में, आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए नंबर व्हिच इज ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि स्क्वायर होना चाहिए क्या ऑड नंबर के पहले, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए हॉल नंबर, मतलब हॉल नंबर 0 भी होगा ना तो उसको भी परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आप खोजेंगे तो 9 और 3 आपको सीरीज में मिलेगा, क्या मिलेगा 9 और 3 मिलेगा, 9 और 3 के बाद 4 और 5 मिलेगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद देखिएगा 9 और 5 फिर से लिखा हुआ है, 9 और 5 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 और 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं टोटल कितना हो गया 4 हो गया, टोटल कितना हो गया 4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मोर देन 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कितना आसान है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, 11 हमने बना लिया, अगला क्वेश्चन देखिएगा इफ ऑल द ऑड नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज विच नंबर विल बी 8 टू द लेफ्ट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट। तो मैंने बताया था 8 टू द लेफ्ट बोला गया है, माइनस 11 टू द लेफ्ट बोला गया, तो दोनों को घटा देंगे, मतलब थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हो जाएगा, और हम लोग को क्या करना है कि ऑल द ऑड नंबर ड्रॉप कर देंगे, तब काउंट करेंगे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, तो ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कितना आसान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है।
इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल ऑड नंबर, ऑड नंबर में से एक घटाइए और टू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल इवन नंबर इन द गिवन नंबर सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 16th फ्रॉम द राइट एंड। तो 16 फ्रॉम द राइट एंड आपको निकालना है, 16 फ्रॉम द राइट एंड आपको निकालना है। तो आप पे काउंट कर लीजिएगा पहले 16 फ्रॉम द राइट एंड, और वहां पे आपको 2 देखने को मिलेगा, तो ये इवन नंबर हो गया, इवन नंबर में से 2 को घटाना तो 0 हो जाएगा, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 0। तो देख सकते हैं कि ये भी दोस्तों क्वेश्चन कितना आसान है, कितने आसानी से हमने बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, देखिएगा इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड 16th पहला और 16 सेकेंड और 17th और ऐसे ही करके आपको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो आपको क्या बताना है लास्ट में, विच नंबर विल बी 7 टू द राइट नेगेटिव फ्रॉम द राइट एंड, 7 टू द राइट और 19 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब ये क्या हो जाएगा 12 फ्रॉम द राइट एंड। पहले तो इस सीरीज को फिर से लिखना होगा आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा तो इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं बनाइएगा आप, क्योंकि इसमें पूरा क्वेश्चन क्या करना होगा, फिर से लिखना होगा। जैसा हम लिखते हैं यहाँ पूरा काउंट करना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा, पहले को 16 से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट वाला को देखिए और 16 नंबर ऐसे काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5 6, और जो 16वें नंबर पे जो नंबर आएगा ना और जो पहले नंबर पे जो नंबर आएगा उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, रिप्लेस लिखेंगे, तो 16वां वाला पहले आ जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें इस सीरीज में टोटल कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे, ठीक है ना, इस सीरीज में टोटल कितने नंबर होंगे, 30 होंगे। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरा मुझे लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने में। आपको क्या करना है, आधा पार्ट को पहले लिखना है, जो सेकंड पार्ट है वो पहले आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट इस साइड आ जाएगा। अब उसके बाद 12 फ्रॉम द राइट यहाँ से काउंट करके लिख दीजिएगा, 12 फ्रॉम द राइट है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, देखिएगा, हाउ मेनी टोटल इवन नंबर विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई होल क्यूब और इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल क्यूब और होल स्क्वायर से प्रेसीड होना चाहिए, मतलब ए क्यूब इवन नंबर और क्या बोला गया है, इवन नंबर ए स्क्वायर से फॉलोड होना चाहिए कि प्रेसीड होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, प्रेसीड लिखा हुआ है शायद, दोनों कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर इन द अबव सीरीज, दोनों में प्रेसीड ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, दोनों में प्रेसीड लिखा हुआ है, या तो होल स्क्वायर से होना चाहिए या फिर होल क्यूब से होना चाहिए। तो होल क्यूब वाला अगर हम लोग देखें तो 8 और 2 पहला बनेगा, 8 जो होता है 2 का परफेक्ट क्यूब होता है, उसके बाद फिर देखेंगे तो 8 और 2 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब होल स्क्वायर से हमने पहले वाले कंडीशन में लिखे थे मोर देन कितने थे, मोर देन कितना था, ये 3 था शायद, पहला क्वेश्चन इसी पे दिया था ना, होल स्क्वायर होना चाहिए था, ऑड नंबर के बारे में दिया था। यहाँ अब हमें देखना होगा अगला, तो आप लोग देखिए कि पहले क्या आना चाहिए, होल स्क्वायर आना चाहिए, फिर इवन नंबर आना चाहिए, तो इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, देखिएगा सीरीज में इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, तो 2 4 2 4 मतलब 4 2 42 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में 42 लिखा हुआ है, 4 2 फिर इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, 8 9 8 9 और 8 ये भी लिखा हुआ है, 9 और 8 लिखा हुआ है, ठीक है, इवन नंबर के पहले होल स्क्वायर, ठीक है, टोटल यहाँ पे काउंट कीजिएगा दोस्तों 5 आएगा, ठीक है, एक और मिलेगा 0 0 0 0 0 6 0 6, एक ये मिल जाएगा, तो टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, टोटल यहाँ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 5, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि हमने कितना आसानी से नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन भी बना लिया, क्वेश्चन नंबर 15 तक हो गया। चलिए अब टाइप को हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पर टाइप को हम लोग चेंज करते हैं और ये आ गया अल्फाबेट सीरीज। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा एक नया सीरीज आ गया जिसको हम बोलते हैं अल्फाबेट सीरीज, और ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखिएगा
एक वर्ड का सीरीज बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया कि इफ द गिवन वर्ड अरेंज इन दी ऑर्डर, ऑर्डर में अरेंज किया गया एज दे अपीयर इन डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में जैसे वर्ड को लिखा रहता है वैसे इनको अरेंज कीजिए लेफ्ट से राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो सबसे पहले सी वाला आएगा जो सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद क्या आएगा एन से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, उसके बाद आर से जो स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, एस से स्टार्ट हो रहा है उसको लिखेंगे, फिर डब्ल्यू लिखेंगे। तो काउंट करेंगे लेफ्ट से चौथा, 1 2 3 4, तो एस जो हो जाएगा वो चौथा पे हो जाएगा, मतलब आपका एस से क्या लिखा हुआ सैड लिखा हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सैड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, हम क्वेश्चन को यहाँ चेंज करते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी लेटर आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द सेकंड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द राइट एंड, सेकंड फ्रॉम द राइट एंड कौन सा है, आर ई टी रेड। अब इसका क्या लेना, दूसरा अक्षर लेना, मतलब ए ले लिए। उसके बाद बोला गया कि एंड द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड व्हिच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड कौन है एस ए डी। इस साइड से हम लोग का क्या होता है, इस साइड से लेफ्ट होता है, इस साइड से हम लोग का राइट होता है, तो एस ए डी इसका हम लोग को क्या लेना थर्ड लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा डी। अब पूछा गया कि इंग्लिश अल्फाबेट में इनके बीच में ए और डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो लिखेंगे ए बी सी डी, कितने अक्षर हो गए दो होते हैं, तो आपका देखिए दो कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ई आपका सही हो जाएगा, टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन था और काफी आसानी से हमने बना लिया। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन को हम लोग हटाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है इफ द थर्ड अल्फाबेट इन इंग्लिश इफ द थर्ड अल्फाबेट इन ईच ऑफ द वर्ड इज चेंज टू द प्रीवियस अल्फाबेट इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल बी विदाउट वॉवल, ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे जिनमें कोई वॉवल नहीं होगा। तो देखिए थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड हम लोग को चेंज करना है ना, थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड हम लोग को क्या करना है चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखे क्वेश्चन में तो ध्यान से देखिएगा, थर्ड अल्फाबेट चेंज करना है तो W से पहले क्या आ जाएगा V आ जाएगा, W से पहले V आ जाएगा तो इसके पास वॉवल हो जाएगा, फिर D से पहले क्या आ जाएगा C आ जाएगा, ठीक है D से पहले C आ जाएगा तो इसके पास भी क्या है ना वॉवल है, फिर F के पहले क्या हो जाएगा E आ जाएगा तो उसके पास भी वॉवल होगा, उसके बाद R A T पहले से वॉवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट वाले के पास भी पहला सी ए टी तो ए वॉवल है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा नन, ऐसे एक भी अक्षर नहीं होंगे जिसमें वॉवल नहीं होगा, सभी में पहले से वॉवल है और यही आंसर हो जाएगा नन, ठीक है ना ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है कि इफ द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ऑफ ईच ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मीनिंगफुल वर्ड इन द न्यू अरेंजमेंट, तो देखिए नाव है, नाव को अगर आप मतलब क्या कीजिएगा, नाव को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, नाव को हम लोग को क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करना है, मतलब एन को डब्ल्यू से इंटरचेंज करेंगे तो डब्ल्यू ओ एन बन जाएगा वन, वन मतलब क्या होता है जीत होता है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ई आपका सही आंसर होगा। ठीक है तो ये भी क्वेश्चन हमने बना लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि इफ ईच ऑफ द गिवन वर्ड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस, मतलब कॉन्सोनेंट में क्या करना है माइनस करना है, कॉन्सोनेंट को क्या करना माइनस करना है और वॉवल को क्या करना होगा प्लस करना होगा, एक ज्यादा लिखना है, ठीक है ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपसे बाद में क्या पूछा गया कि देन हाउ मेनी वर्ड दस फॉर्म विल बी एटलीस्ट वन वॉवल होना चाहिए, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें कम से कम एक वॉवल होंगे, ठीक है तो आप लोग इसको चेंज करके देख लीजिए, मैं कहाँ पे लिखूँ, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ 18-19 को हटा देता हूँ, इसके ऊपर इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ 20 का, तो ऐसा जब काम कीजिएगा तो एम पी भी बन जाएगा पहला, उसके बाद आर बी सी बन जाएगा, उसके बाद बी जेड ई बन जाएगा, उसके बाद देखिएगा क्यू जेड एस बन जाएगा, और उसके बाद देखेंगे बी जेड एस बन जाएगा, ठीक है ये बन गया। उसके बाद देखिएगा ध्यान से,
उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हाउ मेनी वर्ड फॉर्म विल एटलीस्ट वन वॉवल, कम से कम ऐसे कितने वर्ड है जिनके पास एक वॉवल है कम से कम। तो यहाँ पे देखिएगा ये इसके पास एक वॉवल है, बाकी किसी के पास भी वॉवल नहीं है, तो ऐसे कितने वर्ड हो जाएंगे, केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जितने भी टाइप के सीरीज होते थे वो सभी हमने इस वीडियो में देख लिया। तो दोस्तों इस टॉपिक में जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सभी सभी टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने सब कुछ आप लोगों को बता दिया। अगर रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक के बारे में यहाँ से भी एक एक नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी मिसलेनियस टाइप के अलग अलग टाइप होंगे सभी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, इनमें से चार एक जैसे है, कौन सा ऑप्शन अलग है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोड लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या लिखा, आर आर यू वाई, तो यहाँ पे हम आर का कोड लिखेंगे, आर का कोड 18, 18 के बाद आर यू वाई, यू का 21 होता है, वाई का 25 होता है, तो ये पहला ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा कोड, दूसरा का कोड लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी का, 19, 19 से 17 और 19, 17 और 15, 19 से 17 और 15, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 15, 13 और 11, यहाँ तक भी ठीक लग रहा है हमें। उसके बाद 6, 4, 2, बी का 2 होता है। उसके बाद 25, अल्फाबेट में कोड जाके देखिएगा 25, 25, 23, यहाँ क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और 21 आ जाएगा, तो इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा, इनमें से ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि 18 में और 21 में 3 का अंतर हो जाएगा और बाकी सब में 2-2 का अंतर है, ठीक है ना, देख रहे हैं 2-2 का अंतर है। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये जो है ना पहला ऑप्शन आर यू वाई ये अलग है। अब दोस्तों देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इफ ही विल से लिख लीजिए, ही विल से, ऐसे तो चाहे तो आप लोग देख के बना सकते हैं, ही विल से का कोड क्या लिखा हुआ है, ही विल से का कोड लिखा हुआ है 139, क्या लिखा हुआ है 139, ही विल से हो गया। उसके बाद देखिएगा से टू हिम का कोड क्या हो जाएगा, से टू हिम का कोड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा से टू हिम का कोड हो जाएगा 352, क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा ही मे डू का कोड क्या हो जाएगा, ही मे डू का कोड क्या हो जाएगा, तो ही मे डू का कोड क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से 879, क्या हो जाएगा 879 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि विल का कोड क्या होगा, ये आपको निकालना है, तो जिसका जिसका कोड निकलते जाएगा निकालते जाइए, विल अपने आप शायद निकल जाएगा। तो देखिएगा ही का कोड क्या है, ही को सर्कल कीजिए, तो ही का कोड क्या निकल जाएगा, इन दोनों में कॉमन देखिए 9 कॉमन है, तो ही का कोड हो गया 9, तो इससे मतलब नहीं है हम लोग को। से देखिए यहाँ पे कॉमन है और से यहाँ पे कॉमन है, तो से का कोड क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो जो हम लोग को चाहिए था विल, विल का कोड कितना हो जाएगा, विल का कोड क्या हो जाएगा 1, विल का कोड क्या हो जाएगा 1, देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा आसान था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड मिनट, मिनट इच ऑफ विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन वर्ड एज दे हैव बिटवीन देम इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, एक बार मैं समझा दूंगा तो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब पूछेगा तो उस अक्षर को लिखिए जिसके बारे में पूछा गया, तो मिनट MINUTE, अब इसका कोड लिखिए, तो M का कोड होता है 13, 9, 14, 21, 20 और 5, ऐसे कोड लिख लिया हमने। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा
यहां से यहां के बीच में 1 2 3, मतलब 6, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 8 9, मतलब यहां पे जितने मतलब गैप सेम है ना, 5 6 6 7 8 9, ठीक है, ये गैप सेम है यहां पे। फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे 20 और 21 एक साथ लिखा रहता है, जैसे टी और यू एक साथ लिखा होता है इंग्लिश अल्फाबेट में वैसे ही, ठीक है। आई और ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, 3 अक्षर होते हैं, तो यहां भी 3 अक्षर है। टी और यू के बीच में एक भी नहीं होता है, तो ये दोनों एक साथ लिखा है, तो एक पेयर ये बनेगा, ठीक है, एक पेयर ये बनेगा। आगे देखते हैं हम लोग, एक और पेयर बन सकता है शायद, ध्यान से देखिएगा, एक और पेयर बनेगा, नहीं दो ही पेयर बनेगा। तो पेयर क्या बना, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, पेयर पेयर हम लोग का क्या बना, यू और टी बना और एक आई और ई बना, ठीक है। यू और टी के बीच में उतना ही अक्षर है और आई और ई के बीच में उतना ही अक्षर है जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो देख सकते हैं कि एकदम आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को हटा देते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर दिस आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इनको पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है लेफ्ट से राइट में, और फिर आपको बताना है कि कौन से ऐसे नंबर है जिनका पोजीशन सेम है, जिनका पोजीशन कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको लिख लीजिए, 4 6 7 5 2 9 8 3, इनको अरेंज कीजिए। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, 6 7 8 9, 6 7 8 9, बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया। अब यहाँ देखिएगा, 5 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, 8 का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, और भी कोई अक्षर है, मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब 2 ऐसे नंबर है जिनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो 2 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड बाई यूजिंग ए ई एल और टी कीपिंग एल एज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड, ठीक है। तो इससे कितने मीनिंगफुल वर्ड बनाए जा सकते हैं अगर एल फर्स्ट लेटर माने। तो देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। और क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 5। अगर पहला वर्ड बनाएंगे तो लेट बनेगा, ठीक है, एल जिसमें पहले है। दूसरा वर्ड बनाएंगे तो एल ई ए टी बनेगा। तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 2 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में 2 दिया हुआ है, ठीक है, आंसर हो जाएगा 2, 2 वर्ड बनेंगे, ठीक है। तो यही आप लोगों को बताना था। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 शायद हमने बनाया था, तो इस चीज को हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। पूछा गया है कि इफ द नंबर, नंबर लिखा गया है, इफ द नंबर पोजिशन ऑफ ए फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को इंटरचेंज कीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ को इंटरचेंज कीजिए, इसी तरह 9वें और 10वें को इंटरचेंज कीजिए। तो आपको बताना है कि देन विच डिजिट विल बी 6 फ्रॉम द राइट, 6 फ्रॉम द राइट, यहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट पूछा होता तो यहाँ से काउंट करते हैं। तो इसको पहले क्या करना है, इसको पहले क्या करना है, हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है, नहीं इसको पहले चेंज करना है, मतलब 9 और 7 को इंटरचेंज करेंगे तो 79 हो जाएगा, ऐसे कर लेना हम लोग को। उसके बाद 73 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। उसके बाद 31 हो जाएगा, उसके बाद 31 हो जाएगा, 31 के बाद 72 हो जाएगा, 72 के बाद कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा। ये किया हमने चेंज। अब हम लोग को क्या करना है, 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला गया, तो लेफ्ट एंड ये वाला होता है इस एंड से, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 आ गया। अब 1 मतलब ऑप्शन नंबर बी, 1 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है और कितने आसानी से बनाया है क्वेश्चन नंबर 6 को। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी पेयर ऑफ द इंग्लिश ऑफ द लेटर आर देयर इन द वर्ड, ठीक है, वर्ड दिया हुआ है आपके पास है, व्हाट्सएप लिखा हुआ है, विच हैव एज मेनी लेटर बिटवीन देम, जितने के इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करना है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो। यहाँ पे क्या लिखना है, व्हाट्सएप लिखना है, तो WORSHIP, यही स्पेलिंग होता है व्हाट्सएप का, से लिखा होगा हमने। अब इसका कोड को लिखिए, तो W का कोड होता है 23, उसके बाद कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा,
उसके बाद 19 हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कोड है ना इंग्लिश अल्फाबेट में जो कोड होते हैं उसको लिख दे रहा हूँ सिर्फ। 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और पी का 16 होता है, ठीक है। अब देखिए 8 और 9 तो एक पेयर बनेगा, 18 19 भी मुझे लगता है कि एक पेयर बन जाएगा, और यहाँ पे और किसी के साथ पेयर बनेगा, और किसी के साथ यहाँ पेयर बनेगा तो आपको बना लेना है। देखिए 19 और 16 के बीच में तो 17 18 19, तो यहाँ तीन पेयर बनेगा। तो पेयर कौन कौन से बन जाएंगे आप देख लीजिए, आर एस का पेयर बन जाएगा, 18 19 का एक पेयर बनेगा। उसके बाद 19 किसका है, 19 होता है एस का, एस ए के और 16 मतलब पी, एस पी का एक पेयर बना। और उसके बाद एक और पेयर बनेगा 8 और 9 का, मतलब एच आई का पेयर बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों पेयर बन गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी सच न्यूमरल नंबर्स आर देयर इन द नंबर 6 4 5 9 0 3 2 8 7। देखिएगा तो इसमें पूछा गया कि रिमेन सेम, मतलब रिमेन अनचेंज होगा, सेम होगा वही, उसी पोजिशन पर रहेगा, अगर इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए, मतलब बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर दीजिए। तो नंबर को पहले लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 6 4 5 9 0 3 2 8 7। अब इनको अरेंज कीजिए, 0 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे कितने नंबर है जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो एक 8 ही दिख रहा है मुझे और कोई तो दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा है, 1 नंबर है ऐसा जिसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन गया 8वां। उसके बाद देखिएगा 9वां क्वेश्चन, देखिएगा 9वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया, काफी लंबा क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ दी पॉसिबल टू मेक ओनली मीनिंगफुल वर्ड पहले से, तीसरे से, पांचवें से और 11वां लेटर, एक वर्ड दिया हुआ है इनहेरिटेंस, इसमें से इन सब लेटर को लेके मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना है, ठीक है ना, मीनिंगफुल आपको बनाना है। इफ मोर देन वन कैन वर्ड कैन बी फॉर्म, गिव आंसर वाई एज दी आंसर। इफ सच वर्ड कैन बी फॉर्म, गिव आंसर जेड। तो वाई और जेड बता सकते हैं अगर एक से ज्यादा बनता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा आप लोग को बताना क्या है, यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विच वर्ड बी द थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है ना। देखिएगा एक वर्ड बनेगा तो हम लोग को काउंट करके बता देना, एक से ज्यादा वर्ड बनेगा तो वाई और जेड में आंसर देना है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं, 9 में बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले इनहेरिटेंस को लिखिए, आई इनहेरिटेंस तो लिखा हुआ है, पहला वर्ड लिखिएगा तो आई निकलेगा पहला वर्ड, उसके बाद देखिएगा पहले के बाद तीसरा वर्ड देखिएगा तो एच निकलेगा, उसके बाद हम लोग को देखना पांचवा वर्ड देखिएगा तो आर निकलेगा, और उसके बाद 11वां वर्ड बोला जाएगा तो ई है, सबसे लास्ट वाला ई दिया हुआ है। अब इससे एक ही वर्ड कितने वर्ड बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं दो वर्ड बन सकते हैं, इससे दो वर्ड बन सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा बन सकते हैं, दो वर्ड बन सकते हैं। कौन कौन सा, एक हायर बन जाएगा, एक हायर बन जाएगा, एक हियर बन जाएगा, तो दो वर्ड बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब वाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर दिया, अगर एक ही वर्ड बनता तो हम लोग काउंट करके बताते कि तीसरा वर्ड लेटर क्या होता, ठीक है ना, बट अभी नहीं बताना है। तो ये भी क्वेश्चन हमने दोस्तों बना लिया। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ और सेवंथ लेटर ऑफ द वर्ड, दिया हुआ है विच वुड बी द सेकेंड लेटर वर्ड फ्रॉम राइट एंड, इफ मोर देन वन सच वर्ड, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, अगर मोर देन वन होगा तो वाई होगा और कोई नहीं बनेगा तो जेड होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, नहीं तो हम लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ठीक है, वर्ड लिखा हुआ है, जो भी वर्ड है उसको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, हम लोग को क्या देखना है, सेकेंड देखना है। तो सेकेंड लेटर कौन सा है, सेकेंड लेटर कौन सा है, एल हो जाएगा, नहीं एन हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पूछा जाएगा तो एल हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कौन सा, सेकेंड सिक्स पूछा गया तो टी हो जाएगा।
और उसके बाद आपसे कौन सा बोला गया, सेवंथ पूछा गया तो ई हो जाएगा, सेवंथ पूछा गया तो ई हो जाएगा, ये हो गया। इससे एक ही वर्ड बनेगा, कौन सा बनेगा, एल ई एन टी, एल ई एन टी बनेगा, लेंट बनेगा। अब हम लोग से क्या पूछा गया, आप क्वेश्चन देखना, पूछे देखना होगा कि क्या पूछा गया। तो विच वर्ड बी द सेकेंड लेटर फ्रॉम द वर्ड राइट एंड, राइट एंड ये हो जाएगा, तो एक दो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर एन हो जाएगा, और सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी एन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने बना लिया, और मिसलेनियस में अगर पूछा भी जाएगा तो इनसे ही क्वेश्चन निकल के आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या ब्लड रिलेशन मैंने बताया, एक नंबर का भी बताया, तो वो भी मिसलेनियस का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन में मैंने बता दिया। तो ये टॉपिक दोस्तों मिसलेनियस जो था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी दो तीन नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है 5 नंबर का भी पूछा जाए मिसलेनियस, तो 5 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा। जितना मैंने बताया इस पूरे कोर्स में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको अच्छे से देख लेते हैं तो बैंकिंग का प्रीलिम्स तो पक्का निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। ठीक है ना, तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।